आपका हमारे वीडियो में स्वागत है और आज मैं आपको एक एनिमेटेड वेब सीरीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जो काफ़ी कमाल की है और इस सीरीज़ को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार आप ज़रूर देखिएगा ये आपको पसंद आ सकती है साथ में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये हिंदी में आपको देखने को मिलने वाली है और ये जो सीरीज़ है इसका वह तीसरा सीज़न भी रिलीज़ होने वाला है तो इसके बारे में भी बात हम करने वाले हैं तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की सीरीज़ के बारे में तो इसका नाम है द लेजेंड ऑफ हनुमान जो काफ़ी कमाल की और एक पारिवारिक एनिमेटेड सीरीज़ है इसके दो सीजन आ चुके हैं पहला सीजन इसका दो में आया था दूसरा दूसरा दो में और तीसरा बारह आने वाला है दो में वैसे काफ़ी तगड़ी ये सीरीज़ बनाई गई है ये आप लोग जो है वो पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं आप चाहे तो उसे बच्चों के साथ भी देख सकते हैं बहुत ही तगड़ी सीरीज़ बनाई गई है सच में ये आपको कहीं पर भी बोर नहीं कराएंगी तो जो आई एम है वहाँ पर दस में से नौ पॉइंट दो की रेटिंग मिली हुई है जो कि बहुत ही तगड़ी रेटिंग इस मूवी या फिर इस सीरीज को बनाती है अगर आप इसे देखना चाहते हैं हिंदी में वो भी एकदम फ्री में तो मैं आपको बता दूं जो डिजी प्लस ऑफतार है वहाँ पर ये सीरीज़ आ चुकी है एकदम फ्री में टोटल इसके एपिसोड जो है वो लगभग आपको बीस के अंदर देखने को मिल जाते हैं सभी एकदम फ्री में उपलब्ध हो चुकी है डिजी प्लस अफतार पे आप वहाँ पर देख सकते हैं वो काफ़ी अच्छी बात है कि अब डिजन्यू प्लस पे आपको बहुत सारे ऐसे शो जो है वो फ्री में देखने, तो देखने को मिल रहे हैं तो ये सीरीज़ जो है वो आपको डिजनी प्लस ऑफ स्टार पर देखने को मिल जाएंगी तो अभी जो डिजनी प्लस ऑफ स्टार पर वहाँ पर जाकर देखिए एक सीरीज़ के अंदर आपको लगभग तेरह एपिसोड देखने को मिलते हैं और दूसरे के अंदर भी आपको लगभग इतने एपिसोड देखने को मिल जाते हैं इस सीरीज इस पूरी सीजन के अंदर आपको एक्शन देखने को मिलता है वैसे जो कहानी है आपको दिखाई गई है वो पूरी कहानी शायद आप लोगों ने कहीं कहने कहीं सुनी भी होगी तो यहाँ पर लीड जो यहाँ पर संभाला है वो शरद कहलकर जो संभाला है जो डबिंग की है वो शरद खेलकर रीज डिंग अमित डिओंडी मास अली विक्रत चतुर्वेदी रिचर्ड जोहेल पुष्कर विचेम ये सारे डबिंग आर्टिस्ट है जो काफ़ी अच्छी डबिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं और इन्होंने काफ़ी अच्छी बहुत ही बेहतरीन डबिंग की वो है चलिए बात करते हैं हम लोग इसकी कहानी के बारे में कि आपको इस सीरीज़ के अंदर कहानी क्या देखने को मिलती है और क्या ये जो है वो एक ऐसा शो है जिसे हम लोग बिना थक के देख सकते हैं तो जी हाँ दोस्तों एक ऐसा शो बनाया गया है जो आप बिना थक के देख सकते हैं आप बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले हैं द लेजेंड ऑफ हनुमान एक प्रेरणादायक कहानी है जो बता दी है कि अपने समर्पण और साहस से एक साधारण वानर किस तरह महाबली और पूजनीय बन जाता है यह आम पर यह आत्मबोध और अपनी शक्तियाँ पहचानने की कहानी भी है हनुमान के किरदार में कई बीडिया को प्रभावित किया है बच्चों से लेकर नौजवानों और बड़ों के बीच में यह चरित्र सम्मान रूप में लोकप्रिय है इस सीरीज में हनुमान को गड्ढी के लिए सौ स्केचों का इस्तेमाल किया गया है जो उनके बचपन से लेकर एक योद्धा बनने तक का सफर जो एक है कवर करते हैं वैसा डिजनी जो है ऐसे कमाल की एनिवर्टेसरी लेता आ रहा आता ही है और बहुत सारे हॉलीवुड की सीरीज भी दे चुका है इस सीरीज में विजुअल एक्सप्रेस बनाने के लिए एक का उपयोग किया गया है इससे दृश्यों का जो है भव्यता और गहराई मिलती है हनुमान जी के जन्म स्थल किस्टिकंदा राक्षस नगर चंगल आदि को विशाल आकर दिया गया है द लेजेंड ऑफ हनुमान की भाषा सरल नाम और आम बोलचाल चाल रखी गई है ताकि हर कोई इसे समझ सके जिससे जिससे बड़े वर्ग को समझने में आसानी हो हालांकि इस बात का ध्यान रखा गया है कि भाषा की सरलता के किरदार भी जो है वो हल्के ना लगे सीरीज़ का टाइटल ट्रैक जो था वो काल बैरो और दिव्या कुमार ने आवाज़ दी हुई है काल बैरो ब्लॉक बात जो है वो बाहबुल टू दे चुके हैं यानी कि सरल कलर के यहाँ पर बात हो रही है इसके अलावा इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर भी अपना जो सुंदर आवाज़ है वो दिया हुआ है इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है या आपको कई बार भी बोर नहीं कराएंगी आप इसे देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं डी सी बिल प्लस औतार पे क्योंकि दोस्तों अभी प्रीमियम अवेलेबल है और कोई भी पैसा देने की आपको ज़रूरत नहीं है सवाल यहाँ पर यह भी आता है कि हमें इसका जो अगला सीज़न है वो कब देखने को मिलेगा हालांकि द लेजेंड ऑफ हनुमान के तीसरे सीजन के बारे में अधिक जानकारी और इेट्स की तारीख अभी तक साझा नहीं की गई थी पर सोशल मीडिया पर प्रशंसकों ने इस सीरीज़ के लिए प्यार जताया है और तीसरी सीजन के साथ लौटने पर उत्साह भी व्यक्त किया है ये सीरीज शरद देवराज जीवत जी कांग और चारवी पी सिदल द्वारा बनाई गई थी और ग्राफिक इंडिया द्वारा निर्मित है दरअसल इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और शरद देवराज ने बताई थी जब ये सीरीज जब रिलीज हो उनका आता बहुत ही अच्छी होगी आप इसे देखिए हालांकि सब प्रोड्यूसर ये सब मिलकर ऐसे प्रमोशन करते हैं पर मैंने इसे देखा था बहुत टाइम पहले काफ़ी अच्छी सीरीज़ बनाई गई है तो मैं आप सभी से ये गुजरे करूँगा कि आप इसे ज़रूर देखिए ये आपको कहीं पर भी ऐसा बोर फील नहीं कराने देंगे और ये तक बांधे रखने में कामयाब रखती है इतना मैं आपको कह सकता हूँ अब यहाँ पर सवाल ये भी है कि इसका तीसरा सीज़न कब आएगा तो मैं आपको बता दूँ कि बारह जनवरी को रिलीज़ किया जा रहा है इसका तीसरा सीज़न और दूसरी मान की बात ये है कि बारह जनवरी को आपको शायद जो है सलार मूवी देखने को मिल सकती है नेटफ्लिक्स पे जी आपने बिल्कुल सही सुना बारह जनवरी को आपको एक बहुत ही बड़ी मूवी देखने को मिल सकती है वो है सलार और भी ऐसी बहुत सारी सीडेट मूवी आ सकती है जैसे कि टाइगर थ्री है क्योंकि उस टाइम पर मौका है सबके पास क्योंकि नया साल है नया दिन है तो हर कोई जो है वो कोई नया कोई नया नया शो लेके जरूर आएंगे तो इस कमाल की सीरीज को नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखिए मुझे पूरा यकीन है आपको ये सीरीज जरूर पसंद आएगी अगर आप इसे देख चुके हैं तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा ये आपको कैसे लगी थी और आप लोग इसकी तीसरी सीरीज के लिए एक्साइटेड है या नहीं वो भी मुझे आप ज़रूर बताइएगा आपका हमारे वीडियो में स्वागत है और आज मैं आपको एक एनिमेटेड वेब सीरीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जो काफ़ी कमाल की है और इस सीरीज़ को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार आप ज़रूर देखिएगा ये आपको पसंद आ सकती है साथ में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ही हिंदी में आपको देखने को मिलने वाली है और ये जो सीरीज़ है इसका वह तीसरा सीज़न भी रिलीज़ होने वाला है तो इसके बारे में भी बात हम करने वाले हैं तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की सीरीज़ के बारे में तो इसका नाम है द लेजेंड ऑफ हनुमान जो काफ़ी कमाल की और एक पारिवारिक एनिमेटेड सीरीज़ है इसके दो सीज़न आ चुके हैं पहला सीजन इसका दो में आया था दूसरा दूसरा दो हज़ार बाईस में और तीसरा बार आने वाला है दो हज़ार चौबीस में वैसे काफ़ी तगड़ी ये सीरीज़ बनाई गई है ये आप लोग जो है वो पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं आप चाहे तो उसे बच्चों के साथ भी देख सकते हैं बहुत ही तगड़ी सीरीज बनाई गई है सच में ये आपको कहीं पर भी बोर नहीं कराएंगी तो जो आईएमडीबी है वहाँ पर दस में से नौ पॉइंट दो की रेटिंग मिली हुई है जो कि बहुत ही तगड़ी रेटिंग इस मूवी या फिर इस सीरीज को बनाती है अगर आप इसे देखना चाहते हिंदी में तो वो भी एकदम फ्री में तो मैं आपको बता दूँ जो डिजनी प्लस ऑफटार है वहाँ पर ये सीरीज आ चुकी है एकदम फ्री में टोटल इसके एपिसोड जो है वो लगभग आपको बीस के अंदर देखने को मिल जाते हैं सभी एकदम फ्री में उपलब्ध हो चुकी है डिजी प्लस अवतार पे आप वहाँ पे देख सकते हैं वो काफ़ी अच्छी बात है कि अब डिजन्यू प्लस पे आपको बहुत सारे ऐसे शो जो है वो फ्री में देखने को मिल रहे हैं तो ये सीरीज जो है वो आपको डिजनी प्लस अवतार पे देखने को मिल जाएंगी तो अभी जो डिजन्यू प्लस अफतार पे वहाँ पर जाकर देखिए एक सीरीज़ के अंदर आपको लगभग तेरह दे एपिसोड देखने को मिलते हैं और दूसरे के अंदर भी आपको लगभग इतने एपिसोड देखने को मिल जाते हैं इस सीरीज इस पूरी सीजन के अंदर आपको एक्शन देखने को मिलता है वैसे जो कहानी है आपको दिखाई गई है वो पूरी कहानी शायद आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुनी भी होगी तो यहाँ पर लीड जो यहाँ पर संभाला है वो शरद खेलकर ने संभाला है जो डब्बिंग की है वो शरद खेलकर रेज डिंग हमीत डीओं डी माश अली विक्रम चतुर्वेदी रिचार्ड जोहेल उसको ये सारे डबिंग आर्टिस्ट है जो काफ़ी अच्छी डबिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और इन्होंने काफ़ी अच्छी बहुत ही बेहतरीन डबिंग की हुई है चलिए बात करते हैं हम लोग इसकी कहानी के बारे में कि आपको इस सीरीज़ के अंदर कहानी क्या देखने को मिलती है और क्या ये जो है वो एक ऐसा शो है जिसे हम लोग बिना थक के देख सकते हैं तो जी हाँ दोस्तों एक ऐसा शो बनाया गया है जो आप बिना थक के देख सकते हैं आप बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले हैं द लेजेंड ऑफ हनुमान एक प्रेरणादायक कहानी है जो बताती है कि अपने समर्पण और साहस से एक साधारण वानर किस तरह महाबली और पूजनीय बन जाता है यह आमतौर पर यह आत्मबोध और अपनी शक्तियाँ पहचानने की कहानी भी है हनुमान के किरदार में कई बीडिया को प्रभावित किया है बच्चों से लेकर नौजवानों और बड़ों के बीच में यह चरित्र सम्मान रूप में लोकप्रिय है इस सीरीज में हनुमान को गड्ढे के लिए सौ स्केचों का इस्तेमाल किया गया है जो उनके बचपन से लेकर एक योद्धा बनने तक का सफर जो है कवर करते हैं वैसा डिजनी जो है ऐसे कमाल की एनिवर्टाज लेत, लेता आ रहा, आता ही है और बहुत सारे हॉलीवुड की सीरीज भी वो दे चुका है इस सीरीज में विजुअल एक्सप्रियस बनाने के लिए एक एमरसिव थ्री डी तकनीक का उपयोग किया गया है इससे दृश्यों का जो है भव्यता और गहराई मिलती है हनुमान जी के जन्मस्थल किश्तिकंदा राक्षस नगर चंगल आदि को विशाल आकर दिया गया है लेजेंड ऑफ हनुमान की भाषा सरल नाम और आम बोलचाल वाली रखी गई है ताकि हर कोई इसे समझ सके जिससे इसे बड़े वर्ग को समझने में आसानी हो हालांकि इस बात का ध्यान रखा गया है कि भाषा की, की सरलता के किरदार भी जो है वो हल्के ना लगे सीरीज का टाइटल ट्रैक जो था वो काल भैरो और दिव्या कुमार ने आवाज दी हुई है काल बैरो ब्लॉक बा अफ्तर जो है वो बाबुल टू दे चुके हैं यानी कि सरअ कलर की यहाँ पर बात हो रही है इसके अलावा इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर भी अपना जो सुंदर आवाज़ है वो दिया हुआ है इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये आपको कहीं बार भी बोर नहीं कराएंगी आप इसे देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं डी प्लस अफ्तार पर क्योंकि दोस्तों अभी प्रीमियम अवेलेबल है और कोई भी पैसा देने की आपको ज़रूरत नहीं है सवाल यहाँ पर ये भी आता है कि हमें इसका जो अगला सीजन है वो कब देखने को मिलेगा हालांकि इधर दिल नजीरब हनुमान की तीसरे सीजन के बारे में अधिक जानकारी और रिलेटेड की तारीख अभी तक साझा नहीं की गई थी पर सोशल मीडिया पर प्रशंसकों ने इस सीरीज़ के लिए प्यार जताया है और तीसरी सीजन के साथ लौटने पर उत्साह भी व्यक्त किया है ये सीरीज़ शरद देवराज जीवन जी कांग और चार पी सिदल द्वारा बनाई गई थी और ग्राफिक इंडिया द्वारा दिल्ली थे दरअसल इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और शरद देवराजन ने बताई थी जब ये सीरीज़ जब रिलीज़ हो रहा थे उनका आता है कि बहुत ही अच्छी होगी आप इसे देखिए हालांकि सब प्रोड्यूसर ये सब मिलकर ऐसे प्रमोज करते हैं पर मैंने इसे देखा था बहुत टाइम पहले काफ़ी अच्छी सीरीज़ बनाई गई है तो मैं आप सभी से ये गुजरेस्ट करूँगा कि आप इसे ज़रूर देखिए ये आपको कहीं पर भी ऐसा बोर फील नहीं कराने देंगे और ये तक बांधे रखने में कामयाब रखती है इतना मैं आपको कह सकता हूँ अब यहाँ पर सवाल ये भी है कि इसका तीसरा सीज़न कब आएगा तो मैं आपको बता दूँ कि बारह जनवरी को रिलीज़ किया जा रहा है इसका तीसरा सीज़न और दूसरी के मान की बात यह है कि बारह जनवरी को आपको शायद जो है सलार मूवी देखने को मिल सकती है नेटफ्लिक्स पे जी आपने बिल्कुल सही सुना बारह जनवरी को आपको एक बहुत ही बड़ी मूवी देखने को मिल सकती है वो है सलार और भी ऐसी बहुत सारी सी डेट मूवी आ सकती है जैसे कि टाइटर थ्री है क्योंकि उस टाइम पर मौका है सबके पास क्योंकि नया साल है नया दिन है तो हर कोई जो है वो कोई नया कोई नया नया शो लेके ज़रूर आएंगे तो इस कमाल की सीरीज़ को नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिए मुझे पूरा यकीन है आपको ये सीरीज ज़रूर पसंद आएगी अगर आप इसे देख चुके हैं तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा ये आपको कैसे लगी थी और आप लोग इसकी तीसरी सीरीज के लिए एक्साइटेड है या नहीं वो भी मुझे आप ज़रूर बताइएगा आपका हमारे वीडियो में स्वागत है और आज मैं आपको एक एलिमेटेड वेब सीरीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जो का कमाल की है और इस सीरीज़ को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार आप ज़रूर देखिएगा ये आपको पसंद आ सकती है साथ में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये हिंदी में आपको देखने को मिलने वाली है और ये जो सीरीज़ है इसका वह तीसरा सीजन भी रिलीज़ होने वाला है तो इसके बारे में भी बात हम करने वाले हैं तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की सीरीज़ के बारे में तो इसका नाम है द लेजेंड ऑफ़ हनुमान जो काफ़ी कमाल की और एक पारिवारिक एनिमेटेड सीरीज़ है इसके दो सीजन आ चुके हैं पहला सीजन इसका दो हज़ार इक्कीस में आया था दूसरा दु, दो हज़ार बाईस में और तीसरा बारह आने वाला है दो हज़ार चौबीस में वैसे काफ़ी तगड़ी ये सीरीज़ बनाई गई है ये आप लोग जो है वो पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं आप चाहे तो उसे बच्चों के साथ भी देख सकते हैं बहुत ही तगड़ी सीरीज़ बनाई गई है सच में ये आपको कहीं पर भी बोर नहीं कराएंगी तो जो आई एम डी बी है वहां पर दस में से नौ पॉइंट दो की रेटिंग मिली हुई हुई है जो कि बहुत ही तगड़ी रेटिंग इस मूवी या फिर इस सीरीज को बनाती है अगर आप इसे देखना चाहते हैं हिंदी में वो भी एकदम फ्री में तो मैं आपको बता दूँ जो डिजी प्लस अफ्तार है वहाँ पर ये सीरीज़ आ चुकी है एकदम फ्री में टोटल इसके एपिसोड जो है वो लगभग आपको बीस के अंदर देखने को मिल जाते हैं सभी एकदम फ्री में उपलब्ध हो चुकी है डिजी प्लस ऑफ्टार पे आप वहाँ पर देख सकते हैं वो काफ़ी अच्छी बात है कि अब डिजी प्लस पर आपको बहुत सारे ऐसे शो जो है वो फ्री में देखने को मिल रहे हैं तो ये सीरीज़ जो है वो आपको डिजनी प्लस अवतार पे देखने को मिल जाएंगी तो अभी जगह डिजनी प्लस अफतार पे वहाँ पर जाकर देखिए एक सीरीज़ के अंदर आपको लगभग तेरह दे एपिसोड देखने को मिलते हैं और दूसरे के अंदर भी आपको लगभग इतने एपिसोड देखने को मिल जाते हैं ये सीरीज इस पूरी सीजन के अंदर आपको एक्शन देखने को मिलता है वैसे जो कहानी है आपको दिखाई गई है वो पूरी कहानी शायद आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुनी भी होगी तो यहाँ पर लीड जो यहाँ पर संभाला है व शरत कहलकर ने सवाल आया है जो की है वो शरद कहलकर रीज डिंग अमित डिओंडी मास अली विक्रम चतुर्वेदी रिचर्ड जोहेल पुष्कर विचे ये सारे डबिंग आर्टिस्ट हैं जो काफ़ी अच्छी डबिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं और इन्होंने काफ़ी अच्छी बहुत ही बेहतरीन डबिंग की हुई है चलिए बात करते हैं हम लोग इसकी कहानी के बारे में कि आपको इस सीरीज के अंदर कहानी क्या देखने को मिलती है और क्या ये जो है वो एक ऐसा शो है जिसे हम लोग बिना रख के देख सकते हैं तो जी हाँ दोस्तों एक ऐसा शो बनाया गया है जो आप बिना थक देख सकते हैं आप बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले हैं द लेजेंड ऑफ हनुमान एक प्रेरणादायक कहानी है जो बता है कि अपने समर्पण और साहस से एक साधारण वानर किस तरह महाबली और पुजलीय बन जाता है यह आमतौर पर यह आत्मबोध और अपनी शक्तियाँ पहचानने की कहानी भी है हनुमान के किरदार में कई बीडिया को प्रभावित किया है बच्चों से लेकर नौजवानों और बड़ों के बीच में ये चरित्र सम्मान रूप में लोकप्रिय है इस सीरीज में हनुमान को गड्डी के लिए सौ स्केचों का इस्तेमाल किया गया है जो उनके बचपन से लेकर एक योद्धा बनने तक का सफर जो है कवर करता है वैसे डिजनी जो है ऐसे कमाल की एडिवर्टेज लेता आ रहा आता ही है और बहुत सारे हॉलीवुड की सीरीज भी वो दे चुका है इस सीरीज में विजुअल एक्सप्रेस बनाने के लिए एक एमरसिव थ्री डी तकनीक का उपयोग किया गया है इससे दृश्यों का जो है भव्यता और गहराई मिलती है हनुमान जी के जन्म स्थल राक्षस नगर चंगल आदि को विशाल आकर दिया गया है द लेजेंड ऑफ हनुमान की भाषा सरल नाम और आम बोलचाल चाल वाले गई है ताकि हर कोई इसे समझ सके जिससे इसे बड़े वर्ग को समझने में आसानी हो हालांकि इस बात का ध्यान रखा गया है कि भाषा की, की सरलता के किरदार भी जो है वो हल्के ना लगे सीरीज का टाइटल ट्रैक जो था वो काल बैरो और दिव्या कुमार ने आवाज़ दी हुई है काल बैरो ब्लॉक बातर फिल्म जो है वो बाहाबुल टू दे चुके हैं यानी कि शरद कलर की यहाँ पर बात हो रही है इसके अलावा इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर भी अपना जो सुंदर आवाज़ है वो दिया हुआ है इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये आपको कहीं पर भी बोर नहीं कराएंगी आप इसे देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं डीसी व्यू प्लस अवस्तार पे क्योंकि दोस्तों अभी फ्री में अवेलेबल है और कोई भी पैसा देने की आपको ज़रूरत नहीं है सवाल यहाँ पर यह भी आता है कि हमें इसका जो अगला सीज़न है वो कब देखने को मिलेगा हालांकि द दर ऑफ हनुमान के तीसरे सीजन के बारे में अधिक जानकारी और इड्स की तारीख अभी तक साझा नहीं की गई थी पर सोशल मीडिया पर प्रशंसकों ने इस सीरीज़ के लिए प्यार जताया है और तीसरी सीजन के साथ लौटने पर उत्साह भी व्यक्त किया है ये सीरीज़ शरद देवराज जीवत जी कांग और चार पी सिदल द्वारा बनाई गई थी और ग्राफिक इंडिया द्वारा निर्मित है दरअसल इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और शरद देवराज ने बताई थी जब ये सीरीज़ जब रिलीज हो रो थी उनका आता है कि बहुत ही अच्छी होगी आप इसे देखिए ये हालांकि सब प्रोड्यूसर सब मिलकर ऐसे प्रमोशन करते हैं पर मैंने इसे देखा था बहुत टाइम पहले काफ़ी अच्छी सीरीज़ बनाई गई है तो मैं आप सभी से ये भी गुजरस्ट करूँगा कि आप इसे ज़रूर देखिए ये आपको कहीं पर भी ऐसा बोर फील नहीं कराने देंगे और ये एन तक बांधे रखने में कामयाब रखती है इतना मैं आपको कह सकता हूँ अब यहाँ पर सवाल ये भी है कि इसका तीसरा सीज़न कब आएगा तो मैं आपको बता दूँ कि बारह जनवरी को रिलीज़ किया जा रहा है इसका तीसरा सीज़न और दूसरी मान की बात यह है कि बारह जनवरी को आपको शायद जो है सलार मूवी भी देखने को मिल सकती है नेटफ्लिक्स पे जी आपने बिल्कुल सही सुना बारह जनवरी को आपको एक बहुत ही बड़ी मूवी देखने को मिल सकती है वो है सलार और भी ऐसी बहुत सारी सी मूवी आ सकती है जैसे कि टाइगर थ्री है क्योंकि उस टाइम पर मौका है सबके पास क्योंकि नया साल है नया दिन है तो हर कोई जो है वो कोई नया कोई नया नया शो लेके ज़रूर आएंगे तो इस कमाल की सीरीज को नहीं देखा आए तो एक बार ज़रूर देखिए मुझे पूरा यह कि नहीं आपको ये सीरीज़ ज़रूर पसंद आएगी अगर आप इसे देख चुके हैं तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा ये आपको कैसे लगी थी और आप लोग इसकी तीसरी सीरीज के लिए एक्साइटेड है या नहीं वो भी मुझे आप ज़रूर बताइएगा आपका हमारे वीडियो में स्वागत है और आज मैं आपको एक एनिमेटेड वेब सीरीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जो काफी कमाल की है और इस सीरीज़ को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार आप ज़रूर देखिएगा ये आपको पसंद आ सकती है साथ में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये हिंदी में आपको देखने को मिलने वाली है और ये जो सीरीज़ है इसका वह तीसरा सीजन भी रिलीज़ होने वाला है तो इसके बारे में भी बात हम करने वाले हैं तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की सीरीज़ के बारे में तो इसका नाम है द लेजेंड ऑफ हनुमान जो काफ़ी कमाल की और एक पारिवारिक एनिमेटेड सीरीज़ है इसके दो सीजन आ चुके हैं पहला सीजन इसका दो में आया था दूसरा दो में और तीसरा बार आने वाला है दो में वैसे काफ़ी तगड़ी ये सीरीज़ बनाई गई है ये आप लोग जो है वो पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं आप चाहे तो उसे बच्चों के साथ भी देख सकते हैं बहुत ही तगड़ी सीरीज़ बनाई गई है सच में ये आपको कहीं पर भी बोर नहीं कराएंगी तो जो आई एम डी बी है वहाँ पर दस में से नौ पॉइंट दो की रेटिंग मिली हुई है जो कि बहुत ही तगड़ी रेटिंग इस मूवी या फिर इस सीरीज़ को बनाती है अगर आप इसे देखना चाहते हैं हिंदी में तो वो भी एकदम फ्री में तो मैं आपको बता दूँ जो डिजी प्लस ऑफ्टार है वहाँ पर ये सीरीज़ आ चुकी है एकदम फ्री में टोटल इसके एपिसोड जो है वो लगभग आपको बीस के अंदर देखने को मिल जाते हैं सभी एकदम फ्री में उपलब्ध हो चुकी है डिजी प्लस ऑफतार पर आप वहाँ पर देख सकते हैं वो काफ़ी अच्छी बात है कि अब डिजन्यू प्लस पे आपको बहुत सारे ऐसे शो जो है वो फ्री में देखने को मिल रहे हैं तो ये सीरीज़ जो है वो आपको डिजन्यू प्लस अफतार पर देखने को मिल तो जाएंगी तो अभी जो डिजन्यू प्लस अफतार पर वहाँ पर जाकर देखिए एक सीरीज़ के अंदर आपको लगभग तेरह एपिसोड देखने को मिलते हैं और दूसरे के अंदर भी आपको लगभग इतने एपिसोड देखने को मिल जाते हैं इस सीरीज इस पूरी सीजन के अंदर आपको एक्शन देखने को मिलता है वैसे जो कहानी है आपको दिखाई गई है वो पूरी कहानी शायद आप लोगों ने कहीं कहने कहीं सुनी भी होगी तो यहाँ पर लीड जो यहाँ पर संभाला है वो शरद कहलकर जो संभाला है जो डबिंग की है वो शरद खेलकर रीज डिंग हमित डिओं डी मास अली विक्रम चतुर्वेदी रिचर्ड जोहेल पुष्कर विचे ये सारे डबिंग आर्टिस्ट है जो काफ़ी अच्छी डबिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और इन्होंने काफ़ी अच्छी बहुत ही बेहतरीन डबिंग की हुई है चलिए बात करते हैं हम लोग इसकी कहानी के बारे में कि आपको इस सीरीज के अंदर कहानी क्या देखने को मिलती है और क्या ये जो है वो एक ऐसा शो है जिसे हम लोग बिना थक के देख सकते हैं तो जी हाँ दोस्तों एक ऐसा शो बनाया गया है जो आप बिना थक के देख सकते हैं आप बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले हैं द लेजेंड ऑफ हनुमान एक प्रेरणादायक कहानी है जो बता दी है कि अपने समर्पण और साहस से एक साधारण वानर किस तरह महाबली और पुजलीय बन जाता है यह आम तौर पर यह आत्मबोध और अपनी शक्तियाँ पहचानने की कहानी भी है हनुमान के किरदार में कई बीडिया को प्रभावित किया है बच्चों से लेकर नौजवानों और बड़ों के बीच में यह चरित्र सम्मान रूप में लोकप्रिय है इस सीरीज में हनुमान को गड्ढी के लिए सौ स्केचों का इस्तेमाल किया गया है जो उनके बचपन से लेकर एक योद्धा बनने तक का सफर जो है कवर करते हैं वैसा डिजनी जो है ऐसे कमाल की एनिवर्टेस लेता आ रहा आता ही है और बहुत सारे हॉलीवुड की सीरीज भी चुका है इस सीरीज में विजुअल के लिए एक तकनीक का उपयोग किया गया है इससे भव्यता और गहराई है मिलती है हनुमान जी के जन्म स्थल किस्टिकंदा राक्षस नगर चंगल आदि को विशाल आकार दिया गया है द लेजेंड ऑफ हनुमान की भाषा सरल नाम और आम बोलचाल चाल रखी गई है ताकि हर कोई इसे समझ सके जिससे जिससे बड़े वर्ग को समझने में आसानी हो हालांकि इस बात का ध्यान रखा गया है कि भाषा की सरलता के किरदार भी जो है वो हल्के ना लगे सीरीज़ का टाइटल ट्रैक जो था वो काल भैरव और दिव्या कुमार ने आवाज़ दी हुई है काल बैरो ब्लॉक बा अफ्तर जो है वो बाहबुल टू दे चुके हैं यानी कि सरल कलर के यहाँ पर बात हो रही है इसके अलावा इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर भी अपना जो सुंदर आवाज़ है वो दिया हुआ है इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपको कई बार भी बोर नहीं कराएंगी आप इसे देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं डीसी प्लस सॉफ्टवेयर पर क्योंकि दोस्तों अभी प्रीमियम अवेलेबल है और कोई भी पैसा देने की आपको ज़रूरत नहीं है सवाल यहाँ पर यह भी आता है कि हमें इसका जो अगला सीज़न है वो कब देखने को मिलेगा हालांकि हालाँकि दिल नजीरब हनुमान के तीसरे सीजन के बारे में अधिक जानकारी और रिल की तारीख अभी तक साझा नहीं की गई थी पर सोशल मीडिया पर प्रशंसकों ने इस सीरीज़ के लिए प्यार जताया है और तीसरी सीजन के साथ लौटने पर उत्साह भी व्यक्त किया है ये सीरीज शरद देवराज जीवन जी का और चार पी सिदल द्वारा बनाई गई थी और ग्राफिक इंडिया द्वारा निर्मित है दरअसल इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और शरद देवराज ने बताई थी जब ये सीरीज जब रिलीज हो उनका आता बहुत ही अच्छी होगी आप इसे देखिए हालांकि सब प्रोड्यूसर ये सब मिलकर ऐसे प्रमोशन करते हैं पर मैंने इसे देखा था बहुत टाइम पहले काफ़ी अच्छी सीरीज़ बनाई गई है तो मैं आप सभी से ये भी करूँगा कि आप इसे ज़रूर देखिए ये आपको कहीं पर भी ऐसा बोर फील नहीं कराने देंगे और ये एंड तक बहाने रखने में कामयाब रखती है इतना मैं आपको बैस सकता हूँ अब यहाँ पर सवाल ये भी है कि इसका तीसरा सीज़न कब आएगा तो मैं आपको बता दूँ कि बारह जनवरी को रिलीज़ किया जा रहा है इसका तीसरा सीज़न और दूसरी मान की बात ये है कि बारह जनवरी को आपको शायद जो है सलार मूवी भी देखने को, को मिल सकती है नेटफ्लिक्स पे जी आपने बिल्कुल सही सुना बारह जनवरी को आपको एक बहुत ही बड़ी मूवी देखने को मिल सकती है वो है सलार और भी ऐसी बहुत सारी ऐसी मूवी आ सकती है जैसे कि डायर थ्री है क्योंकि उस टाइम पर मौका है सबके पास क्योंकि नया साल है नया दिन है तो हर कोई जो है वो कोई नया कोई नया नया शो लेके जरूर आएंगे तो इस कमाल की सीरीज को नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिए मुझे पूरा यकीन है आपको ये सीरीज ज़रूर पसंद आएगी अगर आप इसे देख चुके हैं तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा ये आपको कैसे लगी थी और आप लोग इसकी तीसरी चीज के लिए एक्साइटेड है या नहीं वो भी मुझे आप ज़रूर बताइएगा आपका हमारे वीडियो में स्वागत है और आज मैं आपको एक एनिमेटेड वेब सीरीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जो काफ़ी कमाल की है और इस सीरीज़ को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार आप ज़रूर देखिएगा ये आपको पसंद आ सकती है साथ में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ही हिंदी में आपको देखने को मिलने वाली है और ये जो सीरीज़ है इसका वह तीसरा सीज़न भी रिलीज़ होने वाला है तो इसके बारे में भी बात हम करने वाले हैं तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की सीरीज़ के बारे में तो इसका नाम है द लेजेंड ऑफ हनुमान जो काफ़ी कमाल की और एक पारिवारिक एनिमेटेड सीरीज़ है इसके दो सीज़न आ चुके हैं पहला सीजन इसका दो में आया था दूसरा दु, दो में और तीसरा बार आने वाला है दो में वैसे काफ़ी तगड़ी ये सीरीज़ बनाई गई है ये आप लोग जो है वो पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं आप चाहे तो उसे बच्चों के साथ भी देख सकते हैं बहुत ही तगड़ी सीरीज़ बनाई गई है सच में ये आपको कहीं पर भी बोर नहीं कराएंगी तो जो आईएमडीबी है वहाँ पर दस में से नौ पॉइंट दो की रेटिंग मिली हुई है जो कि बहुत ही तगड़ी रेटिंग इस मूवी या फिर इस सीरीज़ को बनाती है अगर आप इसे देखना चाहते हिंदी में वो भी एकदम फ्री में तो मैं आपको बता दूँ जो डिजनी प्लस हॉटस्टार है वहाँ पर ये सीरीज़ आ चुकी है एकदम फ्री में टोटल इसके एपिसोड जो है वो लगभग आपको बीस के अंदर देखने को मिल जाते हैं सभी एकदम फ्री में उपलब्ध हो चुकी है डिजी प्लस अफतार पे आप वहाँ पर देख सकते हैं वो तो काफ़ी अच्छी बात है कि अब डिजन्यू प्लस पे आपको बहुत सारे ऐसे शो जो है वो फ्री में देखने को मिल रहे हैं तो ये सीरीज जो है वो आपको डिजन्यू प्लस अफतार पे देखने को मिल जाएंगी तो अभी जो डिजन्यू प्लस अफतार पे वहाँ पर जाकर देखिए एक सीरीज के अंदर आपको लगभग तेरह दे एपिसोड देखने को मिलते हैं और दूसरे के अंदर भी आपको लगभग इतने एपिसोड देखने को मिल जाते हैं इस सीरीज इस पूरी सीजन के अंदर आपको एक्शन देखने को मिलता है वैसे जो कहानी है आपको दिखाई गई है वो पूरी कहानी शायद आप लोगों ने कहीं कहने गई सुनी भी होगी तो यहाँ पर लीड जो यहाँ पर संभाला है वो शरद कैलकर ने संभाला है जो डबिंग की है वो शरद खेलकर रेज डिंग हमीत डिओं डी माश अली विक्रम चतुर्वेदी रिचर्ड जोहेल ये सारे डब्बिंग आर्टिस्ट हैं जो काफ़ी अच्छी डबिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं और इन्होंने काफ़ी अच्छी बहुत ही बेहतरीन डबिंग की हुई है चलिए बात करते हैं हम लोग इसकी कहानी के बारे में कि आपको इस सीरीज़ के अंदर कहानी क्या देखने को मिलती है और क्या ये जो है वो एक ऐसा शो है जिसे हम लोग बिना थक देख सकते हैं तो जी हाँ दोस्तों एक ऐसा शो बनाया गया है जो आप बिना थक देख सकते हैं आप बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले हैं द लेजेंड ऑफ हनुमान एक प्रेरणादायक कहानी है जो बताती है कि अपने समर्पण और साहस से एक साधारण वानर किस तरह महाबली और पूजलीय बन जाता है यह आमतौर पर यह आत्मबोध और अपनी शक्तियाँ पहचानने की कहानी भी है हनुमान के किरदार में कई बीडिया को प्रभावित किया है बच्चों से लेकर नौजवानों और बड़ों के बीच में यह चरित्र सम्मान रूप में लोकप्रिय है इस सीरीज में हूमान को गढ़ने के लिए सौ स्केचों का इस्तेमाल किया गया है जो उनके बचपन से लेकर एक योद्धा बनने तक का सफर जो है कवर करते हैं वैसा डिजनी जो है ऐसे कमाल की एनिवर्टेज सीरीज लेता आ रहा आता ही है और बहुत सारे हॉलीवुड की सीरीज भी वो दे चुका है इस सीरीज़ में विजुअल एक्सप्रेस बनाने के लिए एक एमरस्यू थ्री डी तकनीक का उपयोग किया गया है इससे दृश्यों का जो है भव्यता और गहराई मिलती है हनुमान जी के जन्मस्थल किस्टिकंदा राक्षस नगर चंगल आदि को विशाल आकर दिया गया है लेजेंड ऑफ हनुमान की भाषा सरल नाम और आम बोलचाल वाल रखी गई है ताकि हर कोई इसे समझ सके जिससे इसे बड़े वर्ग को समझने में आसानी हो हालांकि इस बात का ध्यान रखा गया है कि भाषा की, की सरलता के किरदार भी जो है वो हल्के ना लगे सीरीज का टाइटल ट्रैक जो था वो काल भैरो और दिव्या कुमार ने आवाज दी हुई है काल बो ब्लॉक बा अख्तर जो है वो बाहबुल टू दे चुके हैं यानी कि सरअ कलर की यहाँ पर बात हो रही है इसके अलावा इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर भी अपना जो सुंदर आवाज़ है वो दिया हुआ है इसकी कहानी कहा इंटरेस्टिंग है आपको कई बार भी बोर नहीं कराएंगी आप इसे देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं डी प्लस अवस्तार पे क्योंकि दोस्तों अभी प्रीमियम अवेलेबल है और कोई भी पैसा देने की आपको ज़रूरत नहीं है सवाल यहाँ पर भी आता है कि हमें इसका जो अगला सीज़न है वो कब देखने को मिलेगा हालांकि इधर दिल नजीरब हनुमान की तीसरी सीजन के बारे में अधिक जानकारी और रिलडेट की तारीख अभी तक साझा नहीं की गई थी पर सोशल मीडिया पर प्रशंसकों ने इस सीरीज़ के लिए प्यार जताया है और तीसरी सीजन के साथ लौटने पर उत्साह भी व्यक्त किया है ये सीरीज शरद देवराज जीवन जी कांग और चार पी सिदल द्वारा बनाई गई थी और ग्राफिक इंडिया द्वारा दिखभित है दरअसल इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और शरद देवराजन ने बताई थी जब ये सीरीज़ जब रिलीज हो थी उनका आता है कि बहुत ही अच्छी होगी आप इसे देखिए हालांकि सब प्रोड्यूसर ये सब मिलकर ऐसे प्रमोजुद करते हैं पर मैंने इसे देखा था बहुत टाइम पहले काफ़ी अच्छी सीरीज़ बनाई गई है तो मैं आप सभी से ये गुजरस करूँगा कि आप इसे ज़रूर देखिए ये आपको कहीं पर भी ऐसा बोर फील नहीं कराने देंगे और ये एंड तक बांधे रखने में कामयाब रखती है इतना मैं आपको कह सकता हूँ अब यहाँ पर सवाल ये भी है कि इसका तीसरा सीज़न कब आएगा तो मैं आपको बता दूं कि 12 जनवरी को रिलीज़ किया जा रहा है इसका तीसरा सीज़न और दूसरी मान की बात यह है कि 12 जनवरी को आपको शायद जो है सलार मूवी देखने को मिल सकती है नेटफ्लिक्स पे जी आपने बिल्कुल सही सुना 12 जनवरी को आपको एक बहुत ही बड़ी मूवी देखने को मिल सकती है वो है सलार और भी ऐसी बहुत सारी हिडन मूवी आ सकती है जैसे कि टाइगर थ्री है क्योंकि उस टाइम पर मौका है सबके पास क्योंकि नया साल है नया दिन है तो हर कोई जो है वो कोई नया कोई नया नया शोर लेके ज़रूर आएंगे तो इस कमाल की सीरीज़ को नहीं देखा आए तो एक बार ज़रूर देखिए मुझे पूरा यकीन है आपको ये सीरीज़ ज़रूर पसंद आएगी अगर आप इसे देख चुके हैं तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा ये आपको कैसे लगी थी और आप लोग इसकी तीसरी सीरीज के लिए एक्साइटेड है या नहीं वो भी मुझे आप ज़रूर बताइएगा आपका हमारे वीडियो में स्वागत है और आज मैं आपको एक एनिमेटेड वेब सीरीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जो काफ़ी कमाल की है और इस सीरीज़ को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार आप ज़रूर देखिएगा ये आपको पसंद आ सकती है साथ में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये हिंदी में आपको देखने को मिलने वाली है और ये जो सीरीज़ है इसका वह तीसरा सीज़न भी रिलीज़ होने वाला है तो इसके बारे में भी बात हम करने वाले हैं तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की सीरीज़ के बारे में तो इसका नाम है द लेजेंड ऑफ हनुमान जो काफ़ी कमाल की और एक पारिवारिक एनिमेटेड सीरीज़ है इसके दो सीज़न आ चुके हैं पहला सीजन इसका दो हज़ार इक्कीस में आया था दूसरा दु, दो हज़ार बाईस में और तीसरा बार आने वाला है दो हज़ार चौबीस में वैसे काफ़ी तगड़ी ये सीरीज़ बनाई गई है ये आप लोग जो है वो पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं आप चाहे तो उसे बच्चों के साथ भी देख सकते हैं बहुत ही तगड़ी सीरीज़ बनाई गई है सच में ये आपको कहीं पर भी बोर नहीं कराएंगी तो जो आई एम डी बी है वहाँ पर दस में से नौ पॉइंट दो की रेटिंग मिली हुई है जो कि बहुत ही तगड़ी रेटिंग इस मूवी या फिर इस सीरीज को बनाती है अगर आप इसे देखना चाहते हिंदी में तो वो भी एकदम फ्री में तो मैं आपको बता दूँ जो डिजीन्यू प्लस अफ्तार है वहाँ पर ये सीरीज़ आ चुकी है एकदम फ्री में टोटल इसके एपिसोड जो है वो लगभग आपको बीस के अंदर देखने को मिल जाते हैं सभी एकदम फ्री में उपलब्ध हो चुकी है डिजी प्लस अफ्तार पे आप वहाँ पे देख सकते हैं वो काफ़ी अच्छी बात है कि अब डिजी प्लस पे आपको बहुत सारे ऐसे शो जो है वो फ्री में देखने को मिल रहे हैं तो ये सीरीज़ जो है वो आपको डिजनी प्लस अफतार पर देखने को मिल जाएंगी तो अभी जो डिजड्यू प्लस अफतार पर वहाँ पर जाकर देखिए एक सीरीज़ के अंदर आपको लगभग तेरह दे एपिसोड देखने को मिलते हैं और दूसरे के अंदर भी आपको लगभग इतने एपिसोड देखने को मिल जाते हैं ये सीरीज इस पूरी सीजन के अंदर आपको एक्शन देखने को मिलता है वैसे जो कहानी है आपको दिखाई गई है वो पूरी कहानी शायद आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुनी भी होगी तो यहाँ पर लीड जो यहाँ पर संभाला है व शरत कहलकर ने सवाल आया जो की है वो वरत कहलकर रीज डिंग हमित डिडी मास विक्रम चतुर्वेदी रिचर्ड जोहेल पुष्कर विचे ये सारे डबिंग आर्टिस्ट है जो काफ़ी अच्छी डबिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं और इन्होंने काफ़ी अच्छी बहुत ही बेहतरीन डबिंग की हुई है चलिए बात करते हैं हम लोग इसकी कहानी के बारे में कि आपको इस सीरीज़ के अंदर कहानी क्या देखने को मिलती है और क्या ये जो है वो एक ऐसा शो है जिसे हम लोग बिना न थक के देख सकते हैं तो जी हाँ दोस्तों एक ऐसा शो बनाया गया है जो आप बिना थके देख सकते हैं आप बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले हैं द लेजेंड ऑफ हनुमान एक प्रेरणादायक कहानी है जो बता है कि अपने समर्पण और साहस से एक साधारण वानर किस तरह महाबली और पूजनीय बन जाता है यह आमतौर पर यह आत्मबोध और अपनी शक्तियाँ पहचानने की कहानी भी है हनुमान के किरदार में कई बीडिया को प्रभावित किया है बच्चों से लेकर नौजवानों और बड़ों के बीच में यह चरित्र सम्मान रूप में लोकप्रिय है इस सीरीज में हनुमान को गड्डी के लिए सौ स्केचों का इस्तेमाल किया गया है जो उनके बचपन से लेकर एक योद्धा बनने तक का सफर जो है कवर करते हैं वैसा डिजनी जो है ऐसे कमाल की एडिवर्टाज लेते लेता आ रहा आता ही है और बहुत सारे हॉलीवुड की सीरीज भी वो दे चुका है इस सीरीज में विजुअल एक्सप्रियस बनाने के लिए एक थ्री डी तकनीक का उपयोग किया गया है इससे दृश्यों का जो है भव्यता और गहराई मिलती है हनुमान जी के जन्म स्थल किश्तिकंदा राक्षस नगर चंगल आदि को विशाल आकार दिया गया है द लेजेंड ऑफ हनुमान की भाषा सरल नाम और आम बोलचाल चाल वाले रखी गई है ताकि हर कोई इसे समझ सके जिससे इसे बड़े वर्ग को समझने में आसानी हो हालांकि इस बात का ध्यान रखा गया है कि भाषा की, की सरलता के किरदार भी जो है वो हल्के ना लगे सीरीज का टाइटल ट्रैक जो था वो काल कार्लैरो और दिव्या कुमार ने आवाज़ दी हुई है काल बैरो ब्लॉक बातर फिल्म जो है वो बाहबुल टू दे चुके हैं यानी कि सरदर के यहाँ पर बात हो रही है इसके अलावा इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर भी अपना जो सुंदर आवाज़ है वो दिया हुआ है इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये आपको कहीं बार भी बोर नहीं कराएंगी आप इसे देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं डीसी व्यू प्लस अफ्तार पे क्योंकि दोस्तों अभी में अवेलेबल है और कोई भी पैसा देने की आपको ज़रूरत नहीं है सवाल यहाँ पर यह भी आता है कि हमें इसका जो अगला सीज़न है वो कब देखने को मिलेगा हालांकि द लेजेंड ऑफ हनुमान के तीसरे सीजन के बारे में अधिक जानकारी और इन डेट की तारीख अभी तक साझा नहीं की गई थी पर सोशल मीडिया पर प्रशंसकों ने इस सीरीज़ के लिए प्यार जताया है और तीसरी सीजन के साथ लौटने पर उत्साह भी व्यक्त किया है ये सीरीज़ शरद देवराज जीवन जी कांग और चार वी पी सिदल द्वारा बनाई गई थी और ग्राफिक इंडिया द्वारा निर्मित है दरअसल इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और शरद देवराज ने बताई थी जब ये सीरीज जब रिलीज हो रहा थी उनको कहा था कि बहुत ही अच्छी होगी आप इसे देखिए हालांकि सब प्रोड्यूसर ये सब मिलकर ऐसे प्रमोशन करते हैं पर मैंने इसे देखा था बहुत टाइम पहले काफ़ी अच्छी सीरीज़ बनाई गई है तो मैं आप सभी से ये गुजरस्ट करूँगा कि आप इसे ज़रूर देखिए ये आपको कहीं पर भी ऐसा बोर फील नहीं कराने देंगे और ये एंड तक बांधे रखने में कामयाब रखती है इतना मैं आपको कह सकता हूँ अब यहाँ पर सवाल ये भी है कि इसका तीसरा सीज़न कब आएगा तो मैं आपको बता दूँ कि बारह जनवरी को रिलीज़ किया जा रहा है इसका तीसरा सीज़न और दूसरी कमान की बात यह है कि बारह जनवरी को आपको शायद जो है सलार मूवी देखने को मिल सकती है नेटफ्लिक्स पे जी आपने बिल्कुल सही सुना बारह जनवरी को आपको एक बहुत ही बड़ी मूवी देखने को मिल सकती है वो है सलार और भी ऐसी बहुत सारी सीडेंट मूवी आ सकती है जैसे कि टाइगर थ्री है क्योंकि उस टाइम पर मौका है सबके पास क्योंकि नया साल है नया दिन है तो हर कोई जो है वो कोई नया कोई नया नया शो लेके ज़रूर आएंगे तो इस कमाल की सीरीज को नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिए मुझे पूरा यकीन है आपको ये सीरीज़ ज़रूर पसंद आएगी अगर आप इसे देख चुके हैं तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा ये आपको कैसे लगी थी और आप लोग इसकी तीसरी सीरीज के लिए एक्साइटेड है या नहीं वो भी मुझे आप ज़रूर बताइएगा आपका हमारे वीडियो में स्वागत है और आज मैं आपको एक एलिमेटेड वेब सीरीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जो काफ़ी कमाल की है और इस सीरीज़ को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार आप ज़रूर देखिएगा ये आपको पसंद आ सकती है साथ में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ही हिंदी में आपको देखने को मिलने वाली है और ये जो सीरीज़ है इसका वह तीसरा सीजन भी रिलीज़ होने वाला है तो इसके बारे में भी बात हम करने वाले हैं तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की सीरीज़ के बारे में तो इसका नाम है द लेजेंड ऑफ हनुमान जो काफ़ी कमाल की और एक पारिवारिक एनिमेटेड सीरीज़ है इसके दो सीजन आ चुके हैं पहला सीजन इसका दो में आया था दूसरा दो हज़ार बाईस में और तीसरा बारह आने वाला है दो हज़ार चौबीस में वैसे काफ़ी तगड़ी ये सीरीज़ बनाई गई है ये आप लोग जो है वो पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं आप चाहे तो उसे बच्चों के साथ भी देख सकते हैं बहुत ही तगड़ी सीरीज़ बनाई गई है सच में ये आपको कहीं पर भी बोर नहीं कराएंगी तो जो आई एम है वहाँ पर दस में से नौ पॉइंट दो की रेटिंग मिली हुई है जो कि बहुत ही तगड़ी रेटिंग इस मूवी या फिर इस सीरीज को बनाती है अगर आप इसे देखना चाहते हैं हिंदी में तो वो भी एकदम फ्री में तो मैं आपको बता दूँ जो डिज प्लस अफतार है वहाँ पर ये सीरीज़ आ चुकी है एकदम फ्री में टोटल इसके एपिसोड जो है वो लगभग आपको बीस के अंदर देखने को मिल जाते हैं सभी एकदम फ्री में उपलब्ध हो चुकी है डिजी प्लस अवतार पे आप वहाँ पर देख सकते हैं वो तो काफ़ी अच्छी बात है कि अब डिजन्यू प्लस पे आपको बहुत सारे ऐसे शो जो है ऊपरी में देखने को मिल रहे हैं तो ये सीरीज़ जो है वो आपको डिजन्यू प्लस अफतार पर देखने को मिल जाएंगी तो अभी जो डिजन्यू प्लस अफतार पर वहाँ पर जाकर देखिए एक सीरीज़ के अंदर आपको लगभग तेरह दे एपिसोड देखने को मिलते हैं और दूसरे के अंदर भी आपको लगभग इतने एपिसोड देखने को मिल जाते हैं ये सीरीज इस पूरी सीजन के अंदर आपको एक्शन देखने को मिलता है वैसे जो कहानी है आपको दिखाई गई है वो पूरी कहानी शायद आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुनी भी होगी तो यहाँ पर लीड जो यहाँ पर संभाला है वो शरद खेलकर जो संभाला है जो डबिंग की है वो शरद खेलकर रीज डिंग अमित डिओं डी अली विक्रम चतुर्वेदी रिचर्ड जोहेल पुष्कर विचे ये सारे डबिंग आर्टिस्ट है जो काफ़ी अच्छी डबिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं और इन्होंने काफ़ी अच्छी बहुत ही बेहतरीन डबिंग की हुई है चलिए बात करते हैं हम लोग इसकी कहानी के बारे में कि आपको इस सीरीज़ के अंदर कहानी क्या देखने को मिलती है और क्या ये जो है वो एक ऐसा शो है जिसे हम लोग बिना थके देख सकते हैं तो जी हाँ दोस्तों एक ऐसा शो बनाया गया है जो आप बिना थके देख सकते हैं आप बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले हैं द लेजेंड ऑफ हनुमान एक प्रेरणादायक कहानी है जो बताती है कि अपने समर्पण और साहस से एक साधारण वानर किस तरह महाबली और पूजनीय बन जाता है यह आम पर यह आत्मबोध और अपनी शक्तियाँ पहचानने की कहानी भी है हनुमान के किरदार में कई बीडिया को प्रभावित किया है बच्चों से लेकर नौजवानों और बड़ों के बीच में यह चरित्र सम्मान रूप में लोकप्रिय है इस सीरीज़ में हनुमान को गढ़ने के लिए सौ स्केचों का इस्तेमाल किया गया है जो उनके बचपन से लेकर एक योद्धा बनने तक का सफर जो है कवर करते हैं वैसा डिजनी जो है ऐसे कमाल की एनिवर्टेसरी लेता आ रहा आता ही है और बहुत सारे हॉलीवुड की सीरीज भी दे चुका है इस सीरीज में विजुअल एक्सप्रेस बनाने के लिए एक एमरसिव थ्री डी तकनीक का उपयोग किया गया है ऐसे दृश्यों का जो है भव्यता और गहराई मिलती है हनुमान जी के जन्म स्थल किस्टिकंदा राक्षस नगर चंगल आदि को विशाल आकर दिया गया है द लेजेंड ऑफ हनुमान की भाषा सरल नाम और आम बोलचाल चाल रखी गई है ताकि हर कोई इसे समझ सके जिससे इसे बड़े वर्ग को समझने में आसानी हो हालांकि इस बात का ध्यान रखा गया है कि भाषा की सरलता के किरदार भी जो है वो हल्के ना लगे सीरीज़ का टाइटल ट्रैक जो था वो काल बैरो और दिव्या कुमार ने आवाज़ दी हुई है काल बैरो ब्लॉक बाफ्तर फिल्म जो है वो बाहबुल टू दे चुके हैं यानी कि सरल कलर के यहाँ पर बात हो रही है इसके अलावा इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर भी अपना जो सुंदर आवाज़ है वो दिया हुआ है इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपको कई बार भी बोर नहीं कराएंगी आप इसे देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं डी प्लस सॉफ्टर पर क्योंकि दोस्तों अभी प्रीमियम अवेलेबल है और कोई भी पैसा देने की आपको ज़रूरत नहीं है सवाल यहाँ पर यह भी आता है कि हमें इसका जो अगला सीज़न है वो कब देखने को मिलेगा हालांकि द इधर नजीब हनुमान के तीसरे सीजन के बारे में अधिक जानकारी और इन की तारीख अभी तक साझा नहीं की गई थी पर सोशल मीडिया पर प्रशंसकों ने इस सीरीज़ के लिए प्यार जताया है और तीसरी सीजन के साथ लौटने पर उत्साह भी व्यक्त किया है ये सीरीज़ शरद देवराज जीवन जी का और चार पी सिदल द्वारा बनाई गई थी और ग्राफिक इंडिया द्वारा निर्मित है दरअसल इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और शरद देवराज ने बताई थी जब ये सीरीज़ जब रिलीज कर उनका आता बहुत ही अच्छी होगी आप इसे देखिए हालांकि सब प्रोड्यूसर ये सब मेकर ऐसे प्रमोज करते हैं पर मैंने इसे देखा था बहुत टाइम पहले काफ़ी अच्छी सीरीज़ बनाई गई है तो मैं आप सभी से ये गुजारे करूँगा कि आप इसे ज़रूर देखिए ये आपको कहीं पर भी ऐसा बोर फील नहीं कराने देंगे और ये एन तक बांधे रखने में कामयाब रखती है इतना मैं आपको कह सकता हूँ अब यहाँ पर सवाल ये भी है कि इसका तीसरा सीज़न कब आएगा तो मैं आपको बता दूँ कि 12 जनवरी को रिलीज़ किया जा रहा है इसका तीसरा सीज़न और दूसरी कमान की बात ये है कि 12 जनवरी को आपको शायद जो है सलार मूवी भी देखने को मिल सकती है नेटफ्लिक्स पे जी आपने बिल्कुल सही सुना बारह जनवरी को आपको एक बहुत ही बड़ी मूवी देखने को मिल सकती है वो है सलार और भी ऐसी बहुत सारी ऐसी मूवी आ सकती है जैसे है, तो कि टाइगर थ्री है क्योंकि उस टाइम पर मौका है सबके पास क्योंकि तो नया साल है नया दिन है तो हर कोई जो है वो कोई नया कोई नया नया शो लेके ज़रूर आएंगे तो इस कमाल की सीरीज को नहीं देखा आए तो एक बार जरूर देखिए मुझे पूरा यकीन है आपको ये सीरीज़ ज़रूर पसंद आएगी अगर आप इसे देख चुके हैं तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा ये आपको कैसे लगी थी और आप लोग इसकी तीसरी सीजन के लिए एक्साइटेड है या नहीं वो भी मुझे आप ज़रूर बताइएगा आपका हमारे वीडियो में स्वागत है और आज मैं आपको एक एनिमेटेड वेब सीरीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जो काफ़ी कमाल की है और इस सीरीज़ को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार आप ज़रूर देखिएगा ये आपको पसंद आ सकती है साथ में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ही हिंदी में आपको देखने को मिलने वाली है और ये जो सीरीज़ है इसका वह तीसरा सीज़न भी रिलीज़ होने वाला है तो इसके बारे में भी बात हम करने वाले हैं तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की सीरीज़ के बारे में तो इसका नाम है द लेजेंड ऑफ हनुमान जो काफ़ी कमाल की और एक पारिवारिक एनिमेटेड सीरीज़ है इसके दो सीज़न आ चुके हैं पहला सीजन इसका दो में आया था दूसरा दु, दो में और तीसरा बार आने वाला है दो में वैसे काफ़ी तगड़ी ये सीरीज़ बनाई गई है ये आप लोग जो है वो पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं आप चाहे तो उसे बच्चों के साथ भी देख सकते हैं बहुत ही तगड़ी सीरीज बनाई गई है सच में ये आपको कहीं पर भी बोर नहीं कराएंगी तो जो आई है वहां पर दस में से नौ की रेटिंग मिली हुई है जो कि बहुत ही तगड़ी रेटिंग इस मूवी या फिर सीरीज को बनाती है अगर आप इसे देखना चाहते हिंदी में वो भी एकदम फ्री में तो मैं आपको बता दूं जो डिजनी प्लस ऑफटार है वहाँ पर ये सीरीज़ आ चुकी है एकदम फ्री में टोटल इसके एपिसोड जो है वो लगभग आपको बीस के अंदर देखने को मिल जाते हैं सभी एकदम फ्री में उपलब्ध हो चुकी है डिजी न्यू प्लस अवतार पर आप वहाँ पर देख सकते हैं वो काफ़ी अच्छी बात है कि अब डिजनी प्लस पे आपको बहुत सारे ऐसे शो जो है वो फ्री में देखने को मिल रहे हैं तो ये सीरीज जो है वो आपको डिजनी प्लस अवतार पर देखने को मिल जाएंगी तो अभी जो है डिज न्यू प्लस अवतार पर वहाँ पर जाकर देखिए एक सीरीज़ के अंदर आपको लगभग तेरह दे एपिसोड देखने को मिलते हैं और दूसरे के अंदर भी आपको लगभग इतने एपिसोड देखने को मिल जाते हैं इस सीरीज इस पूरी सीजन के अंदर आपको एक्शन देखने को मिलता है वैसे जो कहानी है आपको दिखाई गई है वो पूरी कहानी शायद आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुनी भी होगी तो यहाँ पर लीड जो यहाँ पर संभाला है वो शरद कहलकर जो सवाला है जो डबिंग की है वो शरद खेलकर रेज डिंग हमित डिडी माश अली विक्रम चतुर्वेदी रिचर्ड जोहैल ये सारे डबिंग आर्टिस्ट है जो काफ़ी अच्छी डबिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं और इन्होंने काफ़ी अच्छी बहुत ही बेहतरीन डबिंग की वो है चलिए बात करते हैं हम लोग इसकी कहानी के बारे में कि आपको इस सीरीज़ के अंदर कहानी क्या देखने को मिलती है और क्या ये जो है वो एक ऐसा शो है जिसे हम लोग बिना थक के देख सकते हैं तो जी हाँ दोस्तों एक ऐसा शो बनाया गया है जो आप बिना थक के देख सकते हैं आप बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले हैं द लेजेंड ऑफ हनुमान एक प्रेरणादायक कहानी है जो बता है कि अपने समर्पण और साहस से एक साधारण वानर किस तरह महाबली और पूजलीय बन जाता है यह आमतौर पर यह आत्मबोध और अपनी शक्तियाँ पहचानने की कहानी भी है हनुमान के किरदार में कई बीडिया को प्रभावित किया है बच्चों से लेकर नौजवानों और बड़ों के बीच में यह चरित्र सम्मान रूप में लोकप्रिय है इस सीरीज में हनुमान को गड्डी के लिए सौ स्केचों का इस्तेमाल किया गया है जो उनके बचपन से लेकर एक योद्धा बनने तक का सफर जो है कवर हैं है वैसा डिजनी जो है ऐसे कमाल की एनिवर्टेज सीरीज लेते लेता आ रहा आता ही है और बहुत सारे हॉलीवुड की सीरीज भी वो दे चुका है इस सीरीज में विजुअल एक्सप्रेस बनाने के लिए एक एमरस्यू थ्री डी टेक्निक का उपयोग किया गया है इससे दृश्यों का जो है भव्यता और गहराई मिलती है हनुमान जी के जन्मस्थल किश्तिकंदा राक्षस नगर चंगल आदि को विशाल आकर दिया गया है लेजेंड ऑफ हनुमान की भाषा सरल नाम और आम बोलचाल वाल रखी गई है ताकि हर कोई इसे समझ सके जिससे इसे बड़े वर्ग को समझने में आसानी हो हालांकि इस बात का ध्यान रखा गया है कि भाषा की, की सरलता के किरदार भी जो है वो हल्के ना लगे सीरीज का टाइटल ट्रैक जो था वो काल भैरो और दिव्या कुमार ने आवाज़ दी हुई है काल बैर ब्लॉक बा अफ्तर फिल्म जो है वो बाहबुल टू दे चुके हैं यानी कि सरद कलर की यहाँ पर बात हो रही है इसके अलावा इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर भी अपना जो सुंदर आवाज़ है वो दिया हुआ है इसकी कहानी कहा इंटरेस्टिंग है आपको कहीं बार भी बोर नहीं कराएंगी आप इसे देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं डी सी डी प्लस अफ्तार पे क्योंकि दोस्तों अभी प्रीमी अवेलेबल है और कोई भी पैसा देने की आपको जरूरत नहीं है सवाल यहाँ पर यह भी आता है कि हमें इसका जो अगला सीज़न है वो कब देखने को मिलेगा हालांकि लेजेंड ऑफ हनुमान की तीसरे सीजन के बारे में अधिक जानकारी और इेट की तारीख अभी तक साझा नहीं की गई थी पर सोशल मीडिया पर प्रशंसकों ने इस सीरीज़ के लिए प्यार जताया है और तीसरी सीजन के साथ लौटने पर उत्साह भी व्यक्त किया है ये सीरीज शरद देवराज जीवन जी कांग और चार पी सिदल द्वारा बनाई गई थी और ग्राफिक इंडिया द्वारा दिखभित है दरअसल इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और शरद देवराजन ने बताई थी जब ये सीरीज जब रिलीज कर रहे थे उन्होंने कहा था कि बहुत ही अच्छी होगी आप इसे देखिए हालांकि सब प्रोड्यूसर ये सब मिलकर कर ऐसे प्रमोशन करते हैं पर मैंने इसे देखा था बहुत टाइम पहले काफ़ी अच्छी सीरीज़ बनाई गई है तो मैं आप सभी से ये गुजारे करूँगा कि आप इसे ज़रूर देखिए ये आपको कहीं पर भी ऐसा बोर फील नहीं कराने देंगे और ये एंड तक बांधे रखने में कामयाब रखती है इतना मैं आपको कह सकता हूँ अब यहाँ पर सवाल ये भी है कि इसका तीसरा सीज़न कब आएगा तो मैं आपको बता दूँ कि बारह जनवरी को रिलीज़ किया जा रहा है इसका तीसरा सीज़न और दूसरी गान की बात यह है कि बारह जनवरी को आपको शायद जो है सलार मूवी देखने को मिल सकती है नेटफ्लिक्स पे जी आपने बिल्कुल सही सुना बारह जनवरी को आपको एक बहुत ही बड़ी मूवी देखने को मिल सकती है वो है सलार और भी ऐसी बहुत सारी सीडेंट मूवी आ सकती है जैसे कि डायरेक् थ्री है क्योंकि उस टाइम पर मौका है सबके पास क्योंकि नया साल है नया दिन है तो हर कोई जो है वो कोई नया कोई नया नया शो लेके ज़रूर आएंगे तो इस कमाल की सीरीज को नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिए मुझे पूरा यकीन है आपको ये सीरीज़ ज़रूर पसंद आएगी अगर आप इसे देख चुके हैं तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा ये आपको कैसे लगी थी और आप लोग इसकी तीसरी सीरीज के लिए एक्साइटेड है या नहीं वो भी मुझे आप ज़रूर बताइएगा आपका हमारे वीडियो में स्वागत है और आज मैं आपको एक एलिमेटेड वेब सीरीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जो काफ़ी कमाल की है और इस सीरीज़ को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार आप ज़रूर देखिएगा ये आपको पसंद आ सकती है साथ में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये हिंदी में आपको देखने को मिलने वाली है और ये जो सीरीज़ है इसका वह तीसरा सीज़न भी रिलीज़ होने वाला है तो इसके बारे में भी बात हम करने वाले हैं तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की सीरीज़ के बारे में तो इसका नाम है द लेजेंड ऑफ़ हनुमान जो काफ़ी कमाल की और एक पारिवारिक एनिमेटेड सीरीज़ है इसके दो सीजन आ चुके हैं पहला सीजन इसका दो हज़ार इक्कीस में आया था दूसरा दूसरा दु, दो हज़ार बाईस में और तीसरा बार आने वाला है दो हज़ार चौबीस में वैसे काफ़ी तगड़ी ये सीरीज़ बनाई गई है ये आप लोग जो है वो पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं आप चाहे तो उसे बच्चों के साथ भी देख सकते हैं बहुत ही तगड़ी सीरीज़ बनाई गई है सच में ये आपको कहीं पर भी बोर नहीं कराएंगी तो जो आई एम डी बी है वहां पर दस में से नौ पॉइंट दो की रेटिंग मिली हुई है जो कि बहुत ही तगड़ी रेटिंग इस मूवी या फिर इस सीरीज को बनाती है अगर आप इसे देखना चाहते हैं हिंदी में तो वो भी एकदम फ्री में तो मैं आपको बता दूँ जो डिजनी प्लस अफतार है वहाँ पर ही सीरीज़ आ चुकी है एकदम फ्री में टोटल इसके एपिसोड जो है वो लगभग आपको बीस के अंदर देखने को मिल जाते हैं सभी एकदम फ्री में उपलब्ध हो चुकी है डिजी प्लस अफतार पर आप वहाँ पर देख सकते हैं वो काफ़ी अच्छी बात है कि डिजन्यू प्लस पर आपको बहुत सारे ऐसे शो जो है वो फ्री में देखने को मिल रहे हैं तो ये सीरीज़ जो है वो आपको डिज डी प्लस अफतार पे देखने को मिल जाएंगी तो अभी जो ये डिजी प्लस अफतार पे वहाँ पर जाकर देखिए एक सीरीज़ के अंदर आपको लगभग तेरह दे एपिसोड देखने को मिलते हैं और दूसरे के अंदर भी आपको लगभग इतने एपिसोड देखने को मिल जाते हैं इस सीरीज इस पूरी सीजन के अंदर आपको एक्शन देखने को मिलता है वैसे जो कहानी है आपको दिखाई गई है वो पूरी कहानी शायद आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुनी भी होगी तो यहाँ पर लीड जो यहाँ पर संभाला है और शरद कहलकर जवाला है जो डबिंग की है वो शरद खेलकर रेज डिंग हमित डिडी माश अली विक्रत चतुर्वेदी रिचर्ड जोहेल पुष्कर विचे ये सारे डबिंग आर्टिस्ट हैं जो काफ़ी अच्छी डबिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं और इन्होंने काफ़ी अच्छी बहुत ही बेहतरीन डबिंग की हुई है चलिए बात करते हैं हम लोग इसकी कहानी के बारे में कि आपको इस सीरीज़ के अंदर कहानी क्या देखने को मिलती है और क्या ये जो है वो एक ऐसा शो है जिसे हम लोग बिना रख के देख सकते हैं तो जी हाँ दोस्तों एक ऐसा शो बनाया गया है जो आप बिना थक देख सकते हैं आप बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले हैं द लेजेंड ऑफ हनुमान एक प्रेरणादायक कहानी है जो बताती है कि अपने समर्पण और साहस से एक साधारण वानर किस तरह महाबली और पूजनीय बन जाता है यह आमतौर पर यह आत्मबोध और अपनी शक्तियाँ पहचानने की कहानी भी है हनुमान के किरदार में कई बीडिया को प्रभावित किया है बच्चों से लेकर नौजवानों और बड़ों के बीच में यह चरित्र सम्मान रूप में लोकप्रिय है इस सीरीज में रुमान को गड्ढे के लिए सौ स्केचों का इस्तेमाल किया गया है जो उनके बचपन से लेकर एक योद्धा बनने तक का सफर जो है कवर करते हैं वैसा डिजनी जो है ऐसे कमाल की एडवर्टाजी लेता आ रहा आता ही है और बहुत सारे हॉलीवुड की सीरीज भी वो दे चुका है इस सीरीज में विजुअल एक्सप्रियस बनाने के लिए एक एमरसिव फ्री डी तकनीक का उपयोग किया गया है इससे दृश्यों का जो है भव्यता और गहराई मिलती है हनुमान जी के जन्म स्थल किश्तिकंदा राक्षस नगर चंगल आदि को विशाल आकार दिया गया है दर्ज ऑफ हनुमान की भाषा सरल नाम और आम बोलचाल चाल रखी गई है ताकि हर कोई इसे समझ सके जिससे इसे बड़े वर्ग को समझने में आसानी हो हालांकि इस बात का ध्यान रखा गया है कि भाषा की, की सरलता के किरदार भी जो है वो हल्के ना लगे सीरीज का टाइटल ट्रैक जो था वो काल बैरो और दिव्या कुमार ने आवाज़ दी हुई है काल बैरो ब्लॉक बास्तर जो है वो बाहबुल टू दे चुके हैं यानी कि सरद कलर के यहाँ पर बात हो रही है इसके अलावा इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर भी अपना जो सुंदर आवाज़ है वो दिया हुआ है इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये आपको कई बार भी बोर नहीं कराएंगी आप इसे देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं डी सी डी प्लस औतार पे क्योंकि दोस्तों अभी फ्री में अवेलेबल है और कोई भी पैसा देने की आपको ज़रूरत नहीं है सवाल यहाँ पर यह भी आता है कि हमें इसका जो अगला सीजन है वो कब देखने को मिलेगा हालांकि द लेजेंड ऑफ हनुमान के तीसरे सीज़न के बारे में अधिक जानकारी और इेट्स की तारीख अभी तक साझा नहीं की गई थी पर सोशल मीडिया पर प्रशंसकों ने इस सीरीज़ के लिए प्यार जताया है और तीसरी सीजन के साथ लौटने पर उत्साह भी व्यक्त किया है ये सीरीज़ शरद देवराज जीव जी कांग और चार पी सिद्धल द्वारा बनाई गई थी और ग्राफिक इंडिया द्वारा निर्मित है दरअसल इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और शरद देवराज ने बताई थी जब ये सीरीज़ जब रिलीज हो रोड्यूज उन्होंने कहा था कि बहुत ही अच्छी होगी आप इसे देखिए हालांकि सब प्रोड्यूसर ये सब मिलकर ऐसे प्रमोशन करते हैं पर मैंने इसे देखा था बहुत टाइम पहले काफ़ी अच्छी सीरीज़ बनाई गई है तो मैं आप सभी से ये गुजरेस्ट करूँगा कि आप इसे ज़रूर देखिए ये आपको कहीं पर भी ऐसा बोर फील नहीं कराने देंगे और ये तक बांधे रखने में कामयाब रखती है इतना मैं आपको कह सकता हूँ अब यहाँ पर सवाल ये भी है कि इसका तीसरा सीज़न कब आएगा तो मैं आपको बता दूँ कि बारह जनवरी को रिलीज़ किया जा रहा है इसका तीसरा सीज़न और दूसरी कमान की बात यह है कि बारह जनवरी को आपको शायद जो है सलार मूवी देखने को मिल सकती है नेटफ्लिक्स पे जी आपने बिल्कुल सही सुना बारह जनवरी को आपको एक बहुत ही बड़ी मूवी देखने को मिल सकती है वो है सलार और भी ऐसी बहुत सारी सीडेंट मूवी आ सकती है जैसे कि टाइगर रख है क्योंकि उस टाइम पर मौका है सबके पास क्योंकि नया साल है नया दिन है तो हर कोई जो है वो कोई नया कोई नया नया शो लेके ज़रूर आएंगे तो इस कमाल की सीरीज को नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिए मुझे पूरा है कि नहीं आपको ये सीरीज ज़रूर पसंद आएगी अगर आप इसे देख चुके हैं तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा ये आपको कैसे लगी थी और आप लोग इसकी तीसरी सीरीज के लिए एक्साइटेड है या नहीं वो भी मुझे आप ज़रूर बताइएगा आपका हमारे वीडियो में स्वागत है और आज मैं आपको एक एनिमेटेड वेब सीरीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जो काफी कमाल की है और इस सीरीज़ को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार आप ज़रूर देखिएगा ये आपको पसंद आ सकती है साथ में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये हिंदी में आपको देखने को मिलने वाली है और ये जो सीरीज़ है इसका वह तीसरा सीज़न भी रिलीज़ होने वाला है तो इसके बारे में भी बात हम करने वाले हैं तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की सीरीज़ के बारे में तो इसका नाम है द लेजेंड ऑफ हनुमान जो काफ़ी कमाल की और एक पारिवारिक एनिमेटेड सीरीज़ है इसके दो सीजन आ चुके हैं पहला सीजन इसका दो में आया था दूसरा दूसरा दो में और तीसरा बार आने वाला है दो में वैसे काफ़ी तगड़ी ये सीरीज़ बनाई गई है ये आप लोग जो है वो पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं आप चाहे तो उसे बच्चों के साथ भी देख सकते हैं बहुत ही तगड़ी सीरीज़ बनाई गई है सच में ये आपको कहीं पर भी बोर नहीं कराएंगी तो जो आई एम है वहाँ पर दस में से नौ पॉइंट दो की रेटिंग मिली हुई है जो कि बहुत ही तगड़ी रेटिंग इस मूवी या फिर इस सीरीज को बनाती है अगर आप इसे देखना चाहते हैं हिंदी में वो भी एकदम फ्री में तो मैं आपको बता दूँ जो डिजी प्लस अफतार है वहाँ पर ये सीरीज आ चुकी है एकदम फ्री में टोटल इसके एपिसोड जो है वो लगभग आपको बीस के अंदर देखने को मिल जाते हैं सभी एकदम फ्री में उपलब्ध हो चुकी है डिजी प्लस ऑफतार पे आप वहाँ पर देख सकते हैं वो काफ़ी अच्छी बात है कि अब डिजन्यू प्लस पे आपको बहुत सारे ऐसे शो जो है वो फ्री में देखने को मिल रहे हैं तो ये सीरीज़ जो है वो आपको डिजनी प्लस ऑफ स्टार पर देखने को मिल जाएंगी तो अभी जो है डिजनी प्लस स्टार पर वहाँ पर जाकर देखिए एक सीरीज़ के अंदर आपको लगभग तेरह एपिसोड देखने को मिलते हैं और दूसरे के अंदर भी आपको लगभग इतने एपिसोड देखने को मिल जाते हैं ये सीरीज इस पूरी सीजन के अंदर आपको एक्शन देखने को मिलता है वैसे जो कहानी है आपको दिखाई गई है वो पूरी कहानी शायद आप लोगों ने कहीं कहने गई सुनी भी होगी तो यहाँ पर लीड जो यहाँ पर संभाला है वो शरत कहलकर जो है जो डबिंग की है वो शरद खेलकर रीज डिंग अमित डिओंडी माश अली विक्रम चतुर्वेदी रिचर्ड जोहेल पुष्कर विचे ये सारे डबिंग आर्टिस्ट है जो काफ़ी अच्छी डबिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और इन्होंने काफ़ी अच्छी बहुत ही बेहतरीन डबिंग की वो है चलिए बात करते हैं हम लोग इसकी कहानी के बारे में कि आपको इस सीरीज के अंदर कहानी क्या देखने को मिलती है और क्या ये जो है वो एक ऐसा शो है जिसे हम लोग बिना थक के देख सकते हैं तो जी हाँ दोस्तों एक ऐसा शो बनाया गया है जो आप बिना थक के देख सकते हैं आप बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले हैं द लेजेंड ऑफ हनुमान एक प्रेरणादायक कहानी है जो बता दी है कि अपने समर्पण और साहस से एक साधारण वानर किस तरह महाबली और पुजलीय बन जाता है यह आम पर यह आत्मबोध और अपनी शक्तियाँ पहचानने की कहानी भी है हनुमान के किरदार में कई बीडिया को प्रभावित किया है बच्चों से लेकर नौजवानों और बड़ों के बीच में यह चरित्र सम्मान रूप में लोकप्रिय है इस सीरीज में हनुमान को गड्ढी के लिए सौ स्केचों का इस्तेमाल किया गया है जो उनके बचपन से लेकर एक योद्धा बनने तक का सफर जो है कवर करते हैं वैसा डिजनी जो है ऐसे कमाल की एनिवर्टेसरी लेता आ रहा आता ही है और बहुत सारे हॉलीवुड की सीरीज भी दे चुका है इस सीरीज में विजुअल एक्सप्रेस बनाने के लिए एक तकनीक का उपयोग किया गया है इससे दृश्यों का जो है भव्यता और गहराई मिलती है हनुमान जी के जन्म स्थल किस्टिकंदा राक्षस नगर चंगल आदि को विशाल आकर दिया गया है ऑफ हनुमान की भाषा सरल नाम और आम बोलचाल चाल रखी गई है ताकि हर कोई इसे समझ सके जिससे इसे बड़े वर्ग को समझने में आसानी हो हालांकि इस बात का ध्यान रखा गया है कि भाषा की सरलता के किरदार भी जो है वो हल्के ना लगे सीरीज़ का टाइटल ट्रैक जो था वो काल बैरो और दिव्या कुमार ने आवाज़ दी हुई है काल बैरो ब्लॉक बा अख्तरविल जो है वो बाहबुल टू दे चुके हैं यानी कि सरल कलर के यहाँ पर बात हो रही है इसके अलावा इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर भी अपना जो सुंदर आवाज़ है वो दिया हुआ है इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है या आपको कई बार भी बोर नहीं कराएंगी आप इसे देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं डी प्लस औतार पे क्योंकि दोस्तों अभी प्रीमियम अवेलेबल है और कोई भी पैसा देने की आपको ज़रूरत नहीं है सवाल यहाँ पर यह भी आता है कि हमें इसका जो अगला सीज़न है वो कब देखने को मिलेगा हालांकि द लेजेंड ऑफ हनुमान के तीसरे सीज़न के बारे में अधिक जानकारी और इेट्स की तारीख अभी तक साझा नहीं की गई थी पर सोशल मीडिया पर प्रशंसकों ने इस सीरीज़ के लिए प्यार जताया है और तीसरी सीजन के साथ लौटने पर उत्साह भी व्यक्त किया है ये सीरीज शरद देवराज जीवत जी कांग और चार पी सिदल द्वारा बनाई गई थी और ग्राफिक इंडिया द्वारा निर्मित है दरअसल इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और शरद देवराज ने बताई थी जब ये सीरीज़ जब रिलीज हो उनका आदाई बहुत ही अच्छी होगी आप इसे देखिए हालांकि सब प्रोड्यूसर ये सब मिलकर ऐसे प्रमोजुन करते हैं पर मैंने इसे देखा था बहुत टाइम पहले काफ़ी अच्छी सीरीज़ बनाई गई है तो मैं आप सभी से ये भी गुजरस्ट करूँगा कि आप इसे ज़रूर देखिए ये आपको कहीं पर भी ऐसा बोर फील नहीं कराने देंगे और ये एन तक बांधे रखने में कामयाब रखती है इतना मैं आपको कह सकता हूँ अब यहाँ पर सवाल ये भी है कि इसका तीसरा सीज़न कब आएगा तो मैं आपको बता दूं कि 12 जनवरी को रिलीज़ किया जा रहा है इसका तीसरा सीज़न और दूसरी मान की बात ये है कि 12 जनवरी को आपको शायद जो है सलार मूवी देखने को मिल सकती है नेटफ्लिक्स पे जी आपने बिल्कुल सही सुना बारह जनवरी को आपको एक बहुत ही बड़ी मूवी देखने को मिल सकती है वो है सलार और भी ऐसी बहुत सारी सीटेड मूवी आ सकती है जैसे कि डाइटर थ्री है क्योंकि उस टाइम पर मौका है सबके पास क्योंकि नया साल है नया दिन है तो हर कोई जो है वो कोई नया कोई नया नया शो लेके ज़रूर आएंगे तो इस कमाल की सीरीज को नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखिए मुझे पूरा यकीन है आपको ये सीरीज़ ज़रूर पसंद आएगी अगर आप इसे देख चुके हैं तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा ये आपको कैसे लगी थी और आप लोग इसकी तीसरी सीजत के लिए एक्साइटेड है या नहीं वो भी मुझे आप ज़रूर बताइएगा आपका हमारे वीडियो में स्वागत है और आज मैं आपको एक एनिमेटेड वेब सीरीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जो काफ़ी कमाल की है और इस सीरीज़ को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार आप ज़रूर देखिएगा ये आपको पसंद आ सकती है साथ में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ही हिंदी में आपको देखने को मिलने वाली है और ये जो सीरीज़ है इसका तीसरा सीज़न भी रिलीज़ होने वाला है तो इसके बारे में भी बात हम करने वाले हैं तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की सीरीज़ के बारे में तो इसका नाम है द लेजेंड ऑफ हनुमान जो काफ़ी कमाल की और एक पारिवारिक एनिमेटेड सीरीज़ है इसके दो सीज़न आ चुके हैं पहला सीजन इसका दो में आया था दूसरा दु, दो में और तीसरा बार आने वाला है दो में वैसे काफ़ी तगड़ी ये सीरीज़ बनाई गई है ये आप लोग जो है वो पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं आप चाहे तो उसे बच्चों के साथ भी देख सकते हैं बहुत ही तगड़ी सीरीज बनाई गई है सच में ये आपको कहीं पर भी बोर नहीं कराएंगी तो जो आई है वहाँ पर दस में से नौ पॉइंट दो की रेटिंग मिली हुई है जो कि बहुत ही तगड़ी रेटिंग इस मूवी या फिर इस सीरीज को बनाती है अगर आप इसे देखना चाहते हिंदी में वो भी एकदम फ्री में तो मैं आपको बता दूँ जो डिजनी प्लस ऑफ्टार है वहाँ पर ये सीरीज आ चुकी है एकदम फ्री में टोटल इसके एपिसोड जो है वो लगभग आपको बीस के अंदर देखने को मिल जाते हैं सभी एकदम फ्री में उपलब्ध हो चुकी है डीजी प्लस अवतार पे आप वहाँ पर देख सकते हैं वो काफ़ी अच्छी बात है कि अब डिजल्यू प्लस पे आपको बहुत सारे ऐसे शो जो है वो फ्री में देखने को मिल रहे हैं तो ये सीरीज जो है वो आपको डिजली प्लस अवतार पर देखने को मिल जाएंगी तो अभी जो है डिजल्यू प्लस अवतार पर वहाँ पर जाकर देखिए एक सीरीज़ के अंदर आपको लगभग तेरह दे एपिसोड देखने को मिलते हैं और दूसरे के अंदर भी आपको लगभग इतने एपिसोड देखने को मिल जाते हैं इस सीरीज इस पूरी सीजन के अंदर आपको एक्शन देखने को मिलता है वैसे जो कहानी है आपको दिखाई गई है वो पूरी कहानी शायद आप लोगों ने कहीं कहने गई सुनी भी होगी तो यहाँ पर लीड जो यहाँ पर संभाला है वो शरद कलकर ने संभाला है जो डबिंग की है वो शरद खेलकर रेज डिंग हमीत डी ओनडी माश अली विक्रम चतुर्वेदी रिचार्ड जो हेल उस विचे ये सारे डबिंग आर्टिस्ट है जो काफ़ी अच्छी डबिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं और इन्होंने काफ़ी अच्छी बहुत ही बेहतरीन डबिंग की हुई है चलिए बात करते हैं हम लोग इसकी कहानी के बारे में कि आपको इस सीरीज़ के अंदर कहानी क्या देखने को मिलती है और क्या ये जो है वो एक ऐसा शो है जिसे हम लोग बिना थक के देख सकते हैं तो जी हाँ दोस्तों एक ऐसा शो बनाया गया है जो आप बिना थक के देख सकते हैं आप बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले हैं द लेजेंड ऑफ हनुमान एक प्रेरणादायक कहानी है जो बता है कि अपने समर्पण और साहस से एक साधारण वानर किस तरह महाबली और पूजनीय बन जाता है यह आमतौर पर यह आत्मबोध और अपनी शक्तियाँ पहचानने की कहानी भी है हनुमान के किरदार में कई बीडिया को प्रभावित किया है बच्चों से लेकर नौजवानों और बड़ों के बीच में यह चरित्र सम्मान रूप में लोकप्रिय है इस सीरीज़ में रुमान को गड्डी के लिए सौ स्केचों का इस्तेमाल किया गया है जो उनके बचपन से लेकर एक योद्धा बनने तक का सफर जो है कवर करता है वैसा डिजनी जो है ऐसे कमाल की एनिवर्टेसरी ले, लेता आ रहा आता ही है और बहुत सारे हॉलीवुड की सीरीज भी वो दे चुका है इस सीरीज में विजुअल एक्सप्रियस बनाने के लिए एक एमरसिव थ्री डी तकनीक का उपयोग किया गया है इससे दृश्यों का जो है भव्यता और गहराई मिलती है हनुमान जी के जन्म स्थल किश्तिकंदा राक्षस नगर चंगल आदि को विशाल आकार दिया गया है दफ हनुमान की भाषा सरल नाम और आम बोलचाल चाल रखी गई है ताकि हर कोई इसे समझ सके जिससे इसे बड़े वर्ग को समझने में आसानी हो हालांकि इस बात का ध्यान रखा गया है कि भाषा की, की सरलता के किरदार भी जो है वो हल्के ना लगे सीरीज का टाइटल ट्रैक जो था वो काल भैरव और दिव्या कुमार ने आवाज़ दी हुई है काल बैरो ब्लॉक बा अफ्तर जो है वो बाबुल टू दे चुके हैं यानी कि शरद कलर की यहाँ पर बात हो रही है इसके अलावा इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर भी अपना जो सुंदर आवाज़ है वो दिया हुआ है इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये आपको कहीं पर भी बोर नहीं कराएंगी आप इसे देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं डीसी प्लस अफ्तार पे क्योंकि दोस्तों अभी प्रीमियम अवेलेबल है और कोई भी पैसा देने की आपको ज़रूरत नहीं है सवाल यहाँ पर ये भी आता है कि हमें इसका जो अगला सीज़न है वो कब देखने को मिलेगा हालांकि दिल नजीर ऑफ हनुमान की तीसरे सीजन के बारे में अधिक जानकारी और इड्स की तारीख अभी तक साझा नहीं की गई थी पर सोशल मीडिया पर प्रशंसकों ने इस सीरीज़ के लिए प्यार जताया है और तीसरी सीजन के साथ लौटने पर उत्साह भी व्यक्त किया है ये सीरीज शरद देवराज जीवन जी कांग और चार पी सिडल द्वारा बनाई गई थी और ग्राफिक इंडिया द्वारा दिखभित है दरअसल इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और शरद देवराजन ने बताई थी जब ये सीरीज जब रिलीज़ हो रहा थी उनको कहा था कि बहुत ही अच्छी होगी आप इसे देखिए हालांकि सब प्रोड्यूसर ये सब मिलकर ऐसे प्रमोशन करते हैं पर मैंने इसे देखा था बहुत टाइम पहले काफ़ी अच्छी सीरीज़ बनाई गई है तो मैं आप सभी से ये गुजारे करूँगा कि आप इसे ज़रूर देखिए ये आपको कहीं पर भी ऐसा बोर फील नहीं कराने देंगे और ये एंड तक बांधे रखने में कामयाब रखती है इतना मैं आपको कह सकता हूँ अब यहाँ पर सवाल ये भी है कि इसका तीसरा सीज़न कब आएगा तो मैं आपको बता दूँ कि बारह जनवरी को रिलीज़ किया जा रहा है इसका तीसरा सीज़न और दूसरी गान की बात यह है कि बारह जनवरी को आपको शायद जो है सलार मूवी भी देखने को मिल सकती है नेटफ्लिक्स पे जी आपने बिल्कुल सही सुना बारह जनवरी को आपको एक बहुत ही बड़ी मूवी देखने को मिल सकती है वो है सलार और भी ऐसी बहुत सारी सीडेंट मूवी आ सकती है जैसे कि टाइगर थ्री है क्योंकि उस टाइम पर मौका है सबके पास क्योंकि नया साल है नया दिन है तो हर कोई जो है वो कोई नया कोई नया नया शो लेके ज़रूर आएंगे तो इस कमाल की सीरीज़ को नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिए मुझे पूरा यकीन है आपको ये सीरीज ज़रूर पसंद आएगी अगर आप इसे देख चुके हैं तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा ये आपको कैसे लगी थी और आप लोग इसकी तीसरी सीरीज के लिए एक्साइटेड है या नहीं वो भी मुझे आप ज़रूर बताइएगा आपका हमारे वीडियो में स्वागत है और आज मैं आपको एक एनिमेटेड वेब सीरीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जो का कमाल की है और इस सीरीज़ को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार आप ज़रूर देखिएगा ये आपको पसंद आ सकती है साथ में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये हिंदी में आपको देखने को मिलने वाली है और ये जो सीरीज़ है इसका वह तीसरा सीजन भी रिलीज़ होने वाला है तो इसके बारे में भी बात हम करने वाले हैं तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की सीरीज़ के बारे में तो इसका नाम है द लेजेंड ऑफ़ हनुमान जो काफ़ी कमाल की और एक पारिवारिक एनिमेटेड सीरीज़ है इसके दो सीजन आ चुके हैं पहला सीजन इसका दो हज़ार इक्कीस में आया था दूसरा दु, दो हज़ार बाईस में और तीसरा बार आने वाला है दो हज़ार चौबीस में वैसे काफ़ी तगड़ी ये सीरीज़ बनाई गई है ये आप लोग जो है वो पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं आप चाहे तो उसे बच्चों के साथ भी देख सकते हैं बहुत ही तगड़ी सीरीज़ बनाई गई है सच में ये आपको कहीं पर भी बोर नहीं कराएंगी तो जो आई एम डी बी है वहाबर दस में से नौ पॉइंट दो की रेटिंग मिली हुई हुई है जो कि बहुत ही तगड़ी रेटिंग इस मूवी या फिर इस सीरीज़ को बनाती है अगर आप इसे देखना चाहते हैं हिंदी में तो वो भी एकदम फ्री में तो मैं आपको बता दूँ जो डिजनी प्लस अफतार है वहाँ पर ये सीरीज़ आ चुकी है एकदम फ्री में टोटल इसके एपिसोड जो है वो लगभग आपको बीस के अंदर देखने को मिल जाते हैं सभी एकदम फ्री में उपलब्ध हो चुकी है डिजी प्लस अफतार पर आप वहाँ पर देख सकते हैं वो काफ़ी अच्छी बात है कि अब डिज प्लस पे आपको बहुत सारे ऐसे शो जो है वो फ्री में देखने को मिल रहे हैं तो ये सीरीज़ जो है वो आपको डिजनी प्लस अफतार पर देखने को मिल जाएगी तो अभी जो डिजनी प्लस अफतार पर वहाँ पर जाकर देखिए एक सीरीज़ के अंदर आपको लगभग तेरह दे एपिसोड देखने को मिलते हैं और दूसरे के अंदर भी आपको लगभग इतने एपिसोड देखने को मिल जाते हैं इस सीरीज इस पूरी सीजन के अंदर आपको एक्शन देखने को मिलता है वैसे जो कहानी है आपको दिखाई गई है वो पूरी कहानी शायद आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुनी भी होगी तो यहाँ पर लीड जो यहाँ पर संभाला है वो शरद कहलकर जो सवाल आया जो डब्बिंग की है वो शरद खेलकर रीज डिंग अमित डिओंडी माश अली विक्रम चतुर्वेदी रिचर्ड जोहेल पुष्कर विचे ये सारे डबिंग आर्टिस्ट हैं जो काफ़ी अच्छी डबिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं और इन्होंने काफ़ी अच्छी बहुत ही बेहतरीन डबिंग की वो है चलिए बात करते हैं हम लोग इसकी कहानी के बारे में कि आपको इस सीरीज़ के अंदर कहानी क्या देखने को मिलती है और क्या ये जो है वो एक ऐसा शो है जिसे हम लोग बिना रख के देख सकते हैं तो जी हाँ दोस्तों एक ऐसा सो बनाया गया है जो आप बिना थक के देख सकते हैं आप बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले हैं द लेजेंड ऑफ हनुमान एक प्रेरणादायक कहानी है जो बताती है कि अपने समर्पण और साहस से एक साधारण वानर किस तरह महाबली और पूजनीय बन जाता है यह आमतौर पर यह आत्मबोध और अपनी शक्तियाँ पहचानने की कहानी भी है हनुमान के किरदार में कई बीडिया को प्रभावित किया है बच्चों से लेकर नौजवानों और बड़ों के बीच में यह चरित्र सम्मान रूप में लोकप्रिय है इस सीरीज में हनुमान को गड्डी के लिए सौ स्केचों का इस्तेमाल किया गया है जो उनके बचपन से लेकर एक योद्धा बनने तक का सफर जो है कवर करता है वैसे डिजनी जो है ऐसे कमाल की एडिवर्टेज सीरीज लेत लेता आ रहा आता ही है और बहुत सारे हॉलीवुड की सीरीज भी वो दे चुका है इस सीरीज में विजुअल एक्सप्रियस बनाने के लिए एक एमरसिव थ्री तकनीक का उपयोग किया गया है इससे दृश्यों का जो है भव्यता और गहराई मिलती है हनुमान जी के जन्म स्थल किश्ट राक्षस नगर चंगल आदि को विशाल आकर दिया गया है लेजेंड ऑफ हनुमान की भाषा सरल नाम और आम बोलचाल वाल रखी गई है ताकि हर कोई इसे समझ सके जिससे इसे बड़े वर्ग को समझने में आसानी हो हालांकि इस बात का ध्यान रखा गया है कि भाषा की, की सरलता के किरदार भी जो है वो हल्के ना लगे सीरीज का टाइटल ट्रैक जो था वो काल बैरो और दिव्या कुमार ने आवाज़ दी हुई है काल बैरो ब्लॉक बास्तर फिल्म जो है वो बाबुल टू दे चुके हैं यानी कि शरद कलर के यहाँ पर बात हो रही है इसके अलावा इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर भी अपना जो सुंदर आवाज़ है वो दिया हुआ है इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये आपको कहीं बार भी बोर नहीं कराएंगी आप इसे देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं डीसी प्लस अवस्तार पे क्योंकि दोस्तों अभी प्रीमियम अवेलेबल है और कोई भी पैसा देने की आपको जरूरत नहीं है सवाल यहाँ पर ये भी आता है कि हमें इसका जो अगला सीज़न है वो कब देखने को मिलेगा हालांकि दिल नजीर ऑफ हनुमान के तीसरे सीजन के बारे में अधिक जानकारी और रिलडेट की तारीख अभी तक साझा नहीं की गई थी पर सोशल मीडिया पर प्रशंसकों ने इस सीरीज़ के लिए प्यार जताया है और तीसरी सीजन के साथ लौटने पर उत्साह भी व्यक्त किया है ये सीरीज़ शरद देवराज जीवन जी कांग और चार पी सिदल द्वारा बनाई गई थी और ग्राफिक इंडिया द्वारा निर्मित है दरअसल इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और शरद देवराज ने बताई थी जब ये सीरीज़ जब रिलीज कर कहा था कि बहुत ही अच्छी होगी आप इसे देखिए हालांकि सब प्रोड्यूसर ये सब मिलकर ऐसे प्रमोशन करते हैं पर मैंने इसे देखा था बहुत टाइम पहले काफ़ी अच्छी सीरीज़ बनाई गई है तो मैं आप सभी से ये गुजरे करूँगा कि आप इसे ज़रूर देखिए ये आपको कहीं पर भी ऐसा बोर फील नहीं कराने देंगे और ये एंड तक बांधे रखने में कामयाब रखती है इतना मैं आपको कह सकता हूँ अब यहाँ पर सवाल ये भी है कि इसका तीसरा सीज़न कब आएगा तो मैं आपको बता दूँ कि बारह जनवरी को रिलीज़ किया जा रहा है इसका तीसरा सीज़न और दूसरी मान की बात यह है कि बारह जनवरी को आपको शायद जो है सलार मूवी देखने को मिल सकती है नेटफ्लिक्स पे जी आपने बिल्कुल सही सुना बारह जनवरी को आपको एक बहुत ही बड़ी मूवी देखने को मिल सकती है वो है सलार और भी ऐसी बहुत सारी सीडेंट मूवी आ सकती है जैसे कि डाइवर थ्री है क्योंकि उस टाइम पर मौका है सबके पास क्योंकि तो नया साल है नया दिन है तो हर कोई जो है वो कोई नया कोई नया नया शो लेके ज़रूर आएंगे तो इस कमाल की सीरीज को नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिए मुझे पूरा यकीन है नहीं आपको ये सीरीज ज़रूर पसंद आएगी अगर आप इसे देख चुके हैं तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा ये आपको कैसे लगी थी और आप लोग इसकी तीसरी सीरीज के लिए एक्साइटेड है या नहीं वो भी मुझे आप ज़रूर बताइएगा आपका हमारे वीडियो में स्वागत है और आज मैं आपको एक एलिमेटेड वेब सीरीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जो काफ़ी कमाल की है और इस सीरीज़ को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार आप ज़रूर देखिएगा ये आपको पसंद आ सकती है साथ में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये हिंदी में आपको देखने को मिलने वाली है और ये जो सीरीज़ है इसका वह तीसरा सीज़न भी रिलीज़ होने वाला है तो इसके बारे में भी बात हम करने वाले हैं तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की सीरीज़ के बारे में तो इसका नाम है द लेजेंड ऑफ हनुमान जो काफ़ी कमाल की और एक पारिवारिक एनिमेटेड सीरीज़ है इसके दो सीजन आ चुके हैं पहला सीजन इसका दो में आया था दूसरा दू, दो हज़ार बाईस में और तीसरा बारह आने वाला है दो हज़ार चौबीस में वैसे काफ़ी तगड़ी ये सीरीज़ बनाई गई है ये आप लोग जो है वो पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं आप चाहे तो उसे बच्चों के साथ भी देख सकते हैं बहुत ही तगड़ी सीरीज़ बनाई गई है सच में ये आपको कहीं पर भी बोर नहीं कराएंगी तो जो आई एम डी बी है वहाँ पर दस में से नौ पॉइंट दो की रेटिंग मिली हुई है जो कि बहुत ही तगड़ी रेटिंग इस मूवी या फिर इस सीरीज को बनाती है अगर आप इसे देखना चाहते हैं हिंदी में वो भी एकदम फ्री में तो मैं आपको बता दूँ जो डीसी प्लस अफ्तार है वहाँ पर ये सीरीज़ आ चुकी है एकदम फ्री में टोटल इसके एपिसोड जो है वो लगभग आपको बीस के अंदर देखने को मिल जाते हैं सभी एकदम फ्री में उपलब्ध हो चुकी है डीजी प्लस अफ्तार में आप वहाँ पर देख सकते हैं वो काफ़ी अच्छी बात है कि अब डिजली प्लस पे आपको बहुत सारे ऐसे शो जो है वो फ्री में देखने को मिल रहे हैं तो ये सीरीज़ जो है वो आपको डिजली प्लस अफतार पे देखने को मिल जाएंगी तो अभी जो डिजनी प्लस अफतार पे वहाँ पर जाकर देखिए एक सीरीज़ के अंदर आपको लगभग तेरह दे एपिसोड देखने को मिलते हैं और दूसरे के अंदर भी आपको लगभग इतने एपिसोड देखने को मिल जाते हैं इस सीरीज इस पूरी सीजन के अंदर आपको एक्शन देखने को मिलता है वैसे जो कहानी है आपको दिखाई गई है वो पूरी कहानी शायद आप लोगों ने कहीं कहने गई सुनी भी होगी तो यहाँ पर लीड जो यहाँ पर संभाला है वो शरद कहलकर जो संभाला है जो डबिंग की है वो शरद खेलकर रीज डिंग हमित डिओं डी माश अली विक्रम चतुर्वेदी रिचर्ड जोहेल पुष्कर विचे ये सारे डबिंग आर्टिस्ट है जो काफ़ी अच्छी डबिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और इन्होंने काफ़ी अच्छी बहुत ही बेहतरीन डबिंग की हुई है चलिए बात करते हैं हम लोग इसकी कहानी के बारे में कि आपको इस सीरीज के अंदर कहानी क्या देखने को मिलती है और क्या ये जो है वो एक ऐसा शो है जिसे हम लोग बिना थक के देख सकते हैं तो जी हाँ दोस्तों एक ऐसा शो बनाया गया है जो आप बिना थक के देख सकते हैं आप बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले हैं द लेजेंड ऑफ हनुमान एक प्रेरणादायक कहानी है जो बता दीजिए कि अपने समर्पण और साहस से एक साधारण वानर किस तरह महाबली और पूजनीय बन जाता है यह आमतौर पर यह आत्मबोध और अपनी शक्तियाँ पहचानने की कहानी भी है हनुमान के किरदार में कई बिडिया को प्रभावित किया है बच्चों से लेकर नौजवानों और बड़ों के बीच में यह चरित्र सम्मान रूप में लोकप्रिय है इस सीरीज में हनुमान को गड्ढी के लिए सौ स्केचों का इस्तेमाल किया गया है जो उनके बचपन से लेकर एक योद्धा बनने तक का सफर जो एक है कवर करते हैं वैसा डिजनी जो है ऐसे कमाल की एडिवर्टाजरी लेता आ रहा आता ही है और बहुत सारे हॉलीवुड की सीरीज भी वो दे चुका है इस सीरीज में विजुअल एक्सप्रिय बनाने के लिए एक एमरसिव थ्री डी का उपयोग किया गया है इससे दृश्यों का जो है भव्यता और गहराई मिलती है हनुमान जी के जन्मस्थल किस्टिकंदा राक्षस नगर चंगल आदि को विशाल आकर दिया गया है द लेजेंड ऑफ हनुमान की भाषा सरल नाम और आम बोलचाल चाल रखी गई है ताकि हर कोई इसे समझ सके जिससे इसे बड़े वर्ग को समझने में आसानी हो हालांकि इस बात का ध्यान रखा गया है कि भाषा की सरलता के किरदार भी जो है वो हल्के ना लगे सीरीज़ का टाइटल ट्रैक जो था वो काल भैरो और दिव्या कुमार ने आवाज़ दी हुई है काल बैरो ब्लॉक बास्तर फिल्म जो है वो बाहबुल टू दे चुके हैं यानी कि सरल कलर के यहाँ पर बात हो रही है इसके अलावा इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर भी अपना जो सुंदर आवाज़ है वो दिया हुआ है इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है या आपको कई बार भी बोर नहीं कराएंगी आप इसे देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं डीसीडी प्लस औफ्तार पे क्योंकि दोस्तों अभी प्रीमियम अवेलेबल है और कोई भी पैसा देने की आपको ज़रूरत नहीं है सवाल यहाँ पर यह भी आता है कि हमें इसका जो अगला सीज़न है वो कब देखने को मिलेगा हालांकि द लेजेंड ऑफ़ हनुमान के तीसरे सीज़न के बारे में अधिक जानकारी और इडेट्स की तारीख अभी तक साझा नहीं की गई थी पर सोशल मीडिया पर प्रशंसकों ने इस सीरीज़ के लिए प्यार जताया है और तीसरी सीजन के साथ लौटने पर उत्साह भी व्यक्त किया है ये सीरीज शरद देवराज जीवत जी कांग और चारवी पी सिद्धल द्वारा बनाई गई थी और ग्राफिक इंडिया द्वारा निर्मित है दरअसल इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और शरद देवराज ने बताई थी जब ये सीरीज जब रिलीज हो रही थी बहुत ही अच्छी होगी आप इसे देखिए हाल के सब प्रोड्यूसर ये सब मिलकर ऐसे प्रमोशन करते हैं पर मैंने इसे देखा था बहुत टाइम पहले काफ़ी अच्छी सीरीज़ बनाई गई है तो मैं आप सभी से ये गर्ज करूँगा कि आप इसे ज़रूर देखिए ये आपको कहीं पर भी ऐसा बोर फील नहीं कराने देंगे और ये एंड तक बांधे रखने में कामयाब रखती है इतना मैं आपको कह सकता हूँ अब यहाँ पर सवाल ये भी है कि इसका तीसरा सीज़न कब आएगा तो मैं आपको बता दूँ कि बारह जनवरी को रिलीज़ किया जा रहा है इसका तीसरा सीज़न और दूसरी मान की बात ये है कि बारह जनवरी को आपको शायद जो है सलार मूवी देखने को मिल सकती है नेटफ्लिक्स पे जी आपने बिल्कुल सही सुना बारह जनवरी को आपको एक बहुत ही बड़ी मूवी देखने को मिल सकती है वो सलार और भी ऐसी बहुत सारी ऐसी मूवी आ सकती है जैसे कि टाइगर थ्री है क्योंकि उस टाइम पर मौका है सबके पास क्योंकि नया साल है नया दिन है तो हर कोई जो है वो कोई नया कोई नया नया शो लेके ज़रूर आएंगे तो इस कमाल की सीरीज को नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखिए मुझे पूरा यकीन है आपको ये सीरीज़ ज़रूर पसंद आएगी अगर आप इसे देख चुके हैं तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा ये आपको कैसे लगी थी और आप लोग इसकी तीसरी सीज के लिए एक्साइटेड है या नहीं वो भी मुझे आप ज़रूर बताइएगा आपका हमारे वीडियो में स्वागत है और आज मैं आपको एक एनिमेटेड वेब सीरीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जो काफ़ी कमाल की है और इस सीरीज़ को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार आप ज़रूर देखिएगा ये आपको पसंद आ सकती है साथ ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ही हिंदी में आपको देखने को मिलने वाली है और ये जो सीरीज़ है इसका वह तीसरा सीज़न भी रिलीज़ होने वाला है तो इसके बारे में भी बात हम करने वाले हैं तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की सीरीज़ के बारे में तो इसका नाम है द लेजेंड ऑफ़ हनुमान जो काफ़ी कमाल की और एक पारिवारिक एनिमेटेड सीरीज़ है इसके दो सीज़न आ चुके हैं पहला सीजन इसका दो में आया था दूसरा दु, दो में और तीसरा बार आने वाला है दो में वैसे काफ़ी तगड़ी ये सीरीज़ बनाई गई है ये आप लोग जो है वो पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं आप चाहे तो उसे बच्चों के साथ भी देख सकते हैं बहुत ही तगड़ी सीरीज बनाई गई है सच में ये आपको कहीं पर भी बोर नहीं कराएंगी तो जो आई है वहां पर दस में से नौ की रेटिंग मिली हुई है जो कि बहुत ही तगड़ी रेटिंग इस मूवी या फिर इस सीरीज को बनाती है अगर आप इसे देखना चाहते हैं हिंदी में तो वो भी एकदम फ्री में तो मैं आपको बता दूं जो डिजनी प्लस ऑफ्टार है वहाँ पर ये सीरीज़ आ चुकी है एकदम फ्री में टोटल इसके एपिसोड जो है वो लगभग आपको बीस के अंदर देखने को मिल जाते हैं सभी एकदम फ्री में उपलब्ध हो चुकी है डिजी प्लस हॉटस्टार पे आप वहाँ पर देख सकते हैं वो तो काफ़ी अच्छी बात है कि अब डिज प्लस पे आपको बहुत सारे ऐसे शो जो है वो फ्री में देखने को मिल रहे हैं तो ये सीरीज़ जो है वो आपको डिज प्लस हॉटस्टार पे देखने को मिल जाएंगी तो अभी जो है प्लस हॉटस्टार पे वहाँ पर जाकर देखिए एक सीरीज के अंदर आपको लगभग तेरह दे एपिसोड देखने को मिलते हैं और दूसरे के अंदर भी आपको लगभग इतने एपिसोड देखने को मिल जाते हैं इस सीरीज इस पूरी सीजन के अंदर आपको एक्शन देखने को मिलता है वैसे जो कहानी है आपको दिखाई गई है वो पूरी कहानी शायद आप लोगों ने कहने गई सुनी भी होगी तो यहाँ पर लीड जो यहाँ पर संभाला है वो शरद खेलकर ने संभाला है जो डबिंग की है वो शरद खेलकर रेज डिंग हमीत डीओं डी माश अली विक्रम चतुर्वेदी रिचर्ड जोहेल पुष्कर विचे ये सारे डबिंग आर्टिस्ट है जो काफ़ी अच्छी डबिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं और इन्होंने काफ़ी अच्छी बहुत ही बेहतरीन डबिंग की वो भी है चलिए बात करते हैं हम लोग इसकी कहानी के बारे में कि आपको इस सीरीज़ के अंदर कहानी क्या देखने को मिलती है और क्या ये जो है वो एक ऐसा शो है जिसे हम लोग बिना थक के देख सकते हैं तो जी हाँ दोस्तों एक ऐसा शो बनाया गया है जो आप बिना थक के देख सकते हैं आप बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले हैं द लेजेंड ऑफ हनुमान एक प्रेरणादायक कहानी है जो बता है कि अपने समर्पण और साहस से एक साधारण वानर किस तरह महाबली और पूजलीय बन जाता है यह आमतौर पर यह आत्मबोध और अपनी शक्तियाँ पहचानने की कहानी भी है हनुमान के किरदार में कई बीडिया को प्रभावित किया है बच्चों से लेकर नौजवानों और बड़ों के बीच में यह चरित्र सम्मान रूप में लोकप्रिय है इस सीरीज में हनुमान को गड्डी के लिए सौ स्केचों का इस्तेमाल किया गया है जो उनके बचपन से लेकर एक योद्धा बनने तक का सफर जो है कवर हैं है वैसा डिजनी जो है ऐसे कमाल की एटीवर्टेज लेत, लेता आ रहा आता ही है और बहुत सारे हॉलीवुड की सीरीज भी वो दे चुका है इस सीरीज़ में विजुअल एक्सप्रियस बनाने के लिए एक एमरस्यू थ्री डी तकनीक का उपयोग किया गया है इससे दृश्यों का जो है भव्यता और गहराई मिलती है हनुमान जी के जन्मस्थल किस्टिकंदा राक्षस नगर चंगल आदि को विशाल आकर दिया गया है द लेज ऑफ हनुमान की भाषा सरल नाम और आम बोलचाल वाल रखी गई है ताकि हर कोई इसे समझ सके जिससे इसे बड़े वर्ग को समझने में आसानी हो हालांकि इस बात का ध्यान रखा गया है कि भाषा की, की सरलता के किरदार भी जो है वो हल्के ना लगे सीरीज का टाइटल ट्रैक जो था वो काल भैरो और दिव्या कुमार ने आवाज़ दी हुई है काल बैरो ब्लॉक बा अख्तरविल जो है वो बाबुल टू दे चुके हैं यानी कि सरदर के यहाँ पर बात हो रही है इसके अलावा इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर भी अपना जो सुंदर आवाज़ है वो दिया हुआ है इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये आपको कहीं बार भी बोर नहीं करेंगी आप इसे देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं डी प्लस अवस्तार पे क्योंकि दोस्तों अभी फ्री में अवेलेबल है और कोई भी पैसा देने की आपको ज़रूरत नहीं है सवाल यहाँ पर ये भी आता है कि हमें इसका जो अगला सीज़न है वो कब देखने को मिलेगा हालांकि इधर दिल ऑफ हनुमान की तीसरी सीजन के बारे में अधिक जानकारी और इड्स की तारीख अभी तक साझा नहीं की गई थी पर सोशल मीडिया पर प्रशंसकों ने इस सीरीज़ के लिए प्यार जताया है और तीसरी सीजन के साथ लौटने पर उत्साह भी व्यक्त किया है ये सीरीज शरद देवराज जीवन जी का और चार पी सिदल द्वारा बनाई गई थी और ग्राफिक इंडिया द्वारा देख है दरअसल इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और शरद देवराजन ने बताई थी जब ये सीरीज जब रिलीज रूस करता है कि बहुत ही अच्छी होगी आप इसे देखिए हालांकि सब प्रोड्यूसर ये सब मिलकर ऐसे प्रमोज करते हैं पर मैंने इसे देखा था बहुत टाइम पहले काफ़ी अच्छी सीरीज़ बनाई गई है तो मैं आप सभी से ये गुजरे करूँगा कि आप इसे ज़रूर देखिए ये आपको कहीं पर भी ऐसा बोर फील नहीं कराने देंगे और ये एंड तक बांधे रखने में कामयाब रखती है इतना मैं आपको कह सकता हूँ अब यहाँ पर सवाल ये भी है कि इसका तीसरा सीज़न कब आएगा तो मैं आपको बता दूँ कि बारह जनवरी को रिलीज़ किया जा रहा है इसका तीसरा सीज़न और दूसरी मान की बात यह है कि बारह जनवरी को आपको शायद जो है सलार मूवी देखने को मिल सकती है नेटफ्लिक्स पे जी आपने बिल्कुल सही सुना बारह जनवरी को आपको एक बहुत ही बड़ी मूवी देखने को मिल सकती है वो है सलार और भी ऐसी बहुत सारी सीडेड मूवी आ सकती है जैसे कि टाइगर थ्री है क्योंकि उस टाइम पर मौका है सबके पास क्योंकि नया साल है नया दिन है तो हर कोई जो है वो कोई नया कोई नया नया शोर लेके ज़रूर आएंगे तो इस कमाल की सीरीज़ को नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिए मुझे पूरा यकीन है आपको ये सीरीज़ ज़रूर पसंद आएगी अगर आप इसे देख चुके हैं तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा ये आपको कैसे लगी थी और आप लोग इसकी तीसरी सीरीज के लिए एक्साइटेड है या नहीं वो भी मुझे आप ज़रूर बताइएगा आपका हमारे वीडियो में स्वागत है और आज मैं आपको एक एनिमेटेड वेब सीरीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जो काफ़ी कमाल की है और इस सीरीज़ को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार आप ज़रूर देखिएगा ये आपको पसंद आ सकती है साथ ही में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये हिंदी में आपको देखने को मिलने वाली है और ये जो सीरीज़ है इसका वह तीसरा सीज़न भी रिलीज़ होने वाला है तो इसके बारे में भी बात हम करने वाले हैं तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की सीरीज़ के बारे में तो इसका नाम है द लेजेंड ऑफ़ हनुमान जो काफ़ी कमाल की और एक पारिवारिक एनिमेटेड सीरीज़ है इसके दो सीज़न आ चुके हैं पहला सीजन इसका दो हज़ार इक्कीस में आया था दूसरा दूसरा दु, दो हज़ार बाईस में और तीसरा बार आने वाला है दो हज़ार चौबीस में वैसे काफ़ी तगड़ी ये सीरीज़ बनाई गई है ये आप लोग जो है वो पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं आप चाहे तो उसे बच्चों के साथ भी देख सकते हैं बहुत ही तगड़ी सीरीज़ बनाई गई है सच में ये आपको कहीं पर भी बोर नहीं कराएंगी तो जो आई एम डी बी है वहाँ पर दस में से नौ पॉइंट दो की रेटिंग मिली हुई है जो कि बहुत ही तगड़ी रेटिंग इस मूवी या फिर इस सीरीज को बनाती है अगर आप इसे देखना चाहते हिंदी में तो वो भी एकदम फ्री में तो मैं आपको बता दूँ जो डिजनी प्लस अफ्तार है वहाँ पर ही सीरीज़ आ चुकी है एकदम फ्री में टोटल इसके एपिसोड जो है वो लगभग आपको बीस के अंदर देखने को मिल जाते हैं सभी एकदम फ्री में उपलब्ध हो चुकी है डिजी न्यू प्लस अफ्तार पर आप वहाँ पर देख सकते हैं वो काफ़ी अच्छी बात है कि डिज न्यू प्लस पे आपको बहुत सारे ऐसे शो जो है वो फ्री में देखने को मिल रहे हैं तो ये सीरीज़ जो है वो आपको डिज प्लस ऑफ स्टार पर देखने को मिल जाएंगी तो अभी जो डिजड्यू प्लस ऑफ स्टार पर वहाँ पर जाकर देखिए एक सीरीज़ के अंदर आपको लगभग तेरह दे एपिसोड देखने को मिलते हैं और दूसरे के अंदर भी आपको लगभग इतने एपिसोड देखने को मिल जाते हैं ये सीरीज इस पूरी सीजन के अंदर आपको एक्शन देखने को मिलता है वैसे जो कहानी है आपको दिखाई गई है वो पूरी कहानी शायद आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुनी भी होगी तो यहाँ पर लीड जो यहाँ पर संभाला है व सरत कहलकर जो सवाल आया जो डबिंग की है वो सरत कहलकर रिज डिंग हमित डिडी दी, माश अलीम विक्रम चतुर्वेदी रिचर्ड जोहेल पुष्कर विचे ये सारे डबिंग आर्टिस्ट है जो काफ़ी अच्छी डबिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं और इन्होंने काफ़ी अच्छी बहुत ही बेहतरीन डबिंग की हुई है चलिए बात करते हैं हम लोग इसकी कहानी के बारे में कि आपको इस सीरीज़ के अंदर कहानी क्या देखने को मिलती है और क्या ये जो है वो एक ऐसा शो है जिसे हम लोग बिना न थक के देख सकते हैं तो जी हाँ दोस्तों एक ऐसा शो बनाया गया है जो आप बिना थक देख सकते हैं आप बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले हैं द लेजेंड ऑफ हनुमान एक प्रेरणादायक कहानी है जो बता है कि अपने समर्पण और साहस से एक साधारण वानर किस तरह महाबली और पूजलीय बन जाता है यह आमतौर पर यह आत्मबोध और अपनी शक्तियाँ पहचानने की कहानी भी है हनुमान के किरदार में कई बीडिया को प्रभावित किया है बच्चों से लेकर नौजवानों और बड़ों के बीच में यह चरित्र सम्मान रूप में लोकप्रिय है इस सीरीज में हनुमान को गड्डी के लिए सौ स्केचों का इस्तेमाल किया गया है जो उनके बचपन से लेकर एक योद्धा बनने तक का सफर जो है कवर करता है वैसा डिजनी जो है ऐसे कमाल की एडिवर्टेसरी लेता आ रहा आता ही है और बहुत सारे हॉलीवुड की सीरीज भी वो दे चुका है इस सीरीज में विजुअल एक्सप्रिय बनाने के लिए एक थ्री डी तकनीक का उपयोग किया गया है इससे दृश्यों का जो है भव्यता और गहराई मिलती है हनुमान जी के जन्म स्थल किस्टिकंदा राक्षस नगर चंगल आदि को विशाल आकर दिया गया है दफ़ हनुमान की भाषा सरल नाम और आम बोलचाल चाल वाले रखी गई है ताकि हर कोई इसे समझ सके जिससे इसे बड़े वर्ग को समझने में आसानी हो हालांकि इस बात का ध्यान रखा गया है कि भाषा की, की सरलता के किरदार भी जो है वो हल्के ना लगे सीरीज का टाइटल ट्रैक जो था वो काल बैरो और दिव्या कुमार ने आवाज़ दी हुई है काल बैरो ब्लॉक बा फिल्म जो है वो बाहुल टू दे चुके हैं यानी कि सरज कलर की यहाँ पर बात हो रही है इसके अलावा इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज के अंदर भी अपना जो सुंदर आवाज़ है वो दिया हुआ है इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये आपको कई बार भी बोर नहीं कराएंगी आप इसे देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं डीसी प्लस औफ्तार पे क्योंकि दोस्तों अभी प्रीमियम अवेलेबल है और कोई भी पैसा देने की आपको ज़रूरत नहीं है सवाल यहाँ पर यह भी आता है कि हमें इसका जो अगला सीज़न है वो कब देखने को मिलेगा हालांकि दिल नजीर अब हनुमान के तीसरे सीजन के बारे में अधिक जानकारी और इडेट्स की तारीख अभी तक साझा नहीं की गई थी पर सोशल मीडिया पर प्रशंसकों ने इस सीरीज़ के लिए प्यार जताया है और तीसरी सीजन के साथ लौटने पर उत्साह भी व्यक्त किया है ये सीरीज़ शरद देवराज जीवन जय जी, का और चार वी पी सिदल द्वारा बनाई गई थी और ग्राफिक इंडिया द्वारा निर्मित है दरअसल इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और शरद देवराज ने बताई थी जब ये सीरीज़ जब रिलीज कर कहा था कि बहुत ही अच्छी होगी आप इसे देखिए हालांकि सब प्रोड्यूसर ये सब मिलकर ऐसे प्रमोशन करते हैं पर मैंने इसे देखा था बहुत टाइम पहले काफ़ी अच्छी सीरीज़ बनाई गई है तो मैं आप सभी से ये गुजरस्ट करूँगा कि आप इसे ज़रूर देखिए ये आपको कहीं पर भी ऐसा बोर फील नहीं कराने देंगे और ये एंड तक बांधे रखने में कामयाब रखती है इतना मैं आपको कह सकता हूँ अब यहाँ पर सवाल ये भी है कि इसका तीसरा सीज़न कब आएगा तो मैं आपको बता दूँ कि बारह जनवरी को रिलीज़ किया जा रहा है इसका तीसरा सीज़न और दूसरी गुमान की बात यह है कि बारह जनवरी को आपको शायद जो है सलार मूवी देखने को मिल सकती है नेटफ्लिक्स पे जी आपने बिल्कुल सही सुना बारह जनवरी को आपको एक बहुत ही बड़ी मूवी देखने को मिल सकती है वो है सलार और भी ऐसी बहुत सारी सीडक मूवी आ सकती है जैसे कि टाइगर थ्री है क्योंकि उस टाइम पर मौका है सबके पास क्योंकि नया साल है नया दिन है तो हर कोई जो है वो कोई नया कोई नया नया शो ले ज़रूर आएंगे तो इस कमाल की सीरीज को नहीं देखा आए तो एक बार ज़रूर देखिए मुझे पूरा यकीन है आपको ये सीरीज़ ज़रूर पसंद आएगी अगर आप इसे देख चुके हैं तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा ये आपको कैसे लगी थी और आप लोग इसकी तीसरी सीरीज के लिए एक्साइटेड है या नहीं वो भी मुझे आप ज़रूर बताइएगा आपका हमारे वीडियो में स्वागत है और आज मैं आपको एक एलिमेटेड वेब सीरीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जो काफ़ी कमाल की है और इस सीरीज़ को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार आप ज़रूर देखिएगा ये आपको पसंद आ सकती है साथ में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये हिंदी में आपको देखने को मिलने वाली है और ये जो सीरीज़ है इसका वह तीसरा सीज़न भी रिलीज़ होने वाला है तो इसके बारे में भी बात हम करने वाले हैं तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की सीरीज़ के बारे में तो इसका नाम है द लेजेंड ऑफ हनुमान जो काफ़ी कमाल की और एक पारिवारिक एनिमेटेड सीरीज़ है इसके दो सीजन आ चुके हैं पहला सीजन इसका दो में आया था दूसरा दू, दो हज़ार बाईस में और तीसरा बारह आने वाला है दो हज़ार चौबीस में वैसे काफ़ी तगड़ी ये सीरीज़ बनाई गई है ये आप लोग जो है वो पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं आप चाहे तो उसे बच्चों के साथ भी देख सकते हैं बहुत ही तगड़ी सीरीज़ बनाई गई है सच में ये आपको कहीं पर भी बोर नहीं कराएंगी तो जो आई है वहाँ पर दस में से नौ पॉइंट दो की रेटिंग मिली हुई है जो कि बहुत ही तगड़ी रेटिंग इस मूवी या फिर इस सीरीज को बनाती है अगर आप इसे देखना चाहते हैं हिंदी में तो वो भी एकदम फ्री में तो मैं आपको बता दूँ जो डिजनी प्लस अफतार है वहाँ पर ये सीरीज आ चुकी है एकदम फ्री में टोटल इसके एपिसोड जो है वो लगभग आपको बीस के अंदर देखने को मिल जाते हैं सभी एकदम फ्री में उपलब्ध हो चुकी है डिजनी प्लस ऑफतार में आप वहाँ पर देख सकते हैं वो काफ़ी अच्छी बात है कि अब डिजन्यू प्लस पे आपको बहुत सारे ऐसे शो जो है वो फ्री में देखने को मिल रहे हैं तो ये सीरीज़ जो है वो आपको डिजन्यू प्लस अफतार पर देखने को मिल जाएंगी तो अभी जो डिजन्यू प्लस अफतार पर वहाँ पर जाकर देखिए एक सीरीज़ के अंदर आपको लगभग तेरह एपिसोड देखने को मिलते हैं और दूसरे के अंदर भी आपको लगभग इतने एपिसोड देखने को मिल जाते हैं इस सीरीज इस पूरी सीजन के अंदर आपको एक्शन देखने को मिलता है वैसे जो कहानी है आपको दिखाई गई है वो पूरी कहानी शायद आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुनी भी होगी तो यहाँ पर लीड जो यहाँ पर संभाला है वो शरद कहलकर जो संवाला है जो डबिंग की है वो शरद खेलकर रीज डिंग हमित डिओं डी अली विक्रत चतुर्वेदी रिचर्ड जोहेल पुष्कर विचे ये सारे डबिंग आर्टिस्ट है जो काफ़ी अच्छी डबिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं और इन्होंने काफ़ी अच्छी बहुत ही बेहतरीन डबिंग की वो भी है चलिए बात करते हैं हम लोग इसकी कहानी के बारे में कि आपको इस सीरीज़ के अंदर कहानी क्या देखने को मिलती है और क्या ये जो है वो एक ऐसा शो है जिसे हम लोग बिना थक के देख सकते हैं तो जी हाँ दोस्तों एक ऐसा शो बनाया गया है जो आप बिना थक के देख सकते हैं आप बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले हैं द लेजेंड ऑफ हनुमान एक प्रेरणादायक कहानी है जो बताती है कि अपने समर्पण और साहस से एक साधारण वानर किस तरह महाबली और पूजनीय बन जाता है यह आमतौर पर यह आत्मबोध और अपनी शक्तियाँ पहचानने की कहानी भी है हनुमान के किरदार में कई बीडिया को प्रभावित किया है बच्चों से लेकर नौजवानों और बड़ों के बीच में यह चरित्र सम्मान रूप में लोकप्रिय है इस सीरीज में हनुमान को गड्ढी के लिए सौ स्केचों का इस्तेमाल किया गया है जो उनके बचपन से लेकर एक योद्धा बनने तक का सफर जो एक है कवर करते हैं वैसा डिजनी जो है ऐसे कमाल की एनिवर्टेस लेते लेता आ रहा आता ही है और बहुत सारे हॉलीवुड की सीरीज भी दे चुका है इस सीरीज में विजुअल एक्सप्रेस बनाने के लिए एक थ्री डी तकनीक का उपयोग किया गया है इससे दृश्यों का जो है भव्यता और गहराई मिलती है हनुमान जी के जन्म स्थल किस्टिकंदा राक्षस नगर चंगल आदि को विशाल आकर दिया गया है द लेजेंड ऑफ हनुमान की भाषा सरल नाम और आम बोलचाल चाल रखी गई है ताकि हर कोई इसे समझ सके जिससे इसे बड़े वर्ग को समझने में आसानी हो हालांकि इस बात का ध्यान रखा गया है कि भाषा की, की सरलता के किरदार भी जो है वो हल्के ना लगे सीरीज़ का टाइटल ट्रैक जो था वो काल बैरो और दिव्या कुमार ने आवाज़ दी हुई है काल बैरो ब्लॉक बा अफ्तर जो है वो बाबुल टू दे चुके हैं यानी कि सरल कलगर के यहाँ पर बात हो रही है इसके अलावा इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर भी अपना जो सुंदर आवाज़ है वो दिया हुआ है इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपको कई बार भी बोर नहीं कराएंगी आप इसे देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं डी प्लस सॉफ्ट पे क्योंकि दोस्तों अभी प्रीमियम अवेलेबल है और कोई भी पैसा देने की आपको ज़रूरत नहीं है सवाल यहाँ पर यह भी आता है कि हमें इसका जो अगला सीजन है वो कब देखने को मिलेगा हालांकि द लेजेंड ऑफ हनुमान के तीसरे सीजन के बारे में अधिक जानकारी और इन डेट की तारीख अभी तक साझा नहीं की गई थी पर सोशल मीडिया पर प्रशंसकों ने इस सीरीज़ के लिए प्यार जताया है और तीसरी सीजन के साथ लौटने पर उत्साह भी व्यक्त किया है ये सीरीज शरद देवराज जीवन जी कांग और चार पी सिदल द्वारा बनाई गई थी और ग्राफिक इंडिया द्वारा निर्मित है दरअसल इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और शरद देवराज ने बताई थी जब ये सीरीज जब रिलीज कर उनका आता कि बहुत ही अच्छी होगी आप इसे देखिए हालांकि सब प्रोड्यूसर ये सब मिलकर ऐसे प्रमोशन करते हैं पर मैंने इसे देखा था बहुत टाइम पहले काफ़ी अच्छी सीरीज़ बनाई गई है तो मैं आप सभी से ये गुजरे करूँगा कि आप इसे ज़रूर देखिए ये आपको कहीं पर भी ऐसा बोर फील नहीं कराने देंगे और ये तक बांधे रखने में कामयाब रखती है इतना मैं आपको कह सकता हूँ अब यहाँ पर सवाल ये भी है कि इसका तीसरा सीज़न कब आएगा तो मैं आपको बता दूँ कि 12 जनवरी को रिलीज़ किया जा रहा है इसका तीसरा सीज़न और दूसरी कमान की बात ये है कि 12 जनवरी को आपको शायद जो है सलार मूवी देखने को मिल सकती है नेटफ्लिक्स पे जी आपने बिल्कुल सही सुना बारह जनवरी को आपको एक बहुत ही बड़ी मूवी देखने को मिल सकती है वो है सलार और भी ऐसी बहुत सारी ऐसी मूवी आ सकती है जैसे कि टाइगर थ्री है क्योंकि उस टाइम पर मौका है सबके पास क्योंकि नया साल है नया दिन है तो हर कोई जो है वो कोई नया कोई नया नया शो लेके ज़रूर आएंगे तो इस कमाल की सीरीज को नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिए मुझे पूरा यकीन है आपको ये सीरीज़ ज़रूर पसंद आएगी अगर आप इसे देख चुके हैं तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा ये आपको कैसे लगी थी और आप लोग इसकी तीसरी सीरीज के लिए एक्साइटेड है या नहीं वो भी मुझे आप ज़रूर बताइएगा आपका हमारे वीडियो में स्वागत है और आज मैं आपको एक एनिमेटेड वेब सीरीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जो काफ़ी कमाल की है और इस सीरीज़ को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार आप ज़रूर देखिएगा ये आपको पसंद आ सकती है साथ में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ही हिंदी में आपको देखने को मिलने वाली है और ये जो सीरीज़ है इसका वह तीसरा सीज़न भी रिलीज़ होने वाला है तो इसके बारे में भी बात हम करने वाले हैं तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की सीरीज़ के बारे में तो इसका नाम है द लेजेंड ऑफ हनुमान जो काफ़ी कमाल की और एक पारीवाक एनिमेटेड सीरीज़ है इसके दो सीज़न आ चुके हैं पहला सीजन इसका दो में आया था दूसरा दु, दो हज़ार बाईस में और तीसरा बार आने वाला है दो हज़ार चौबीस में वैसे काफ़ी तगड़ी ये सीरीज़ बनाई गई है ये आप लोग जो है वो पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं आप चाहे तो उसे बच्चों के साथ भी देख सकते हैं बहुत ही तगड़ी सीरीज बनाई गई है सच में ये आपको कहीं पर भी बोर नहीं कराएंगी तो जो आई है वहां पर दस में से नौ की रेटिंग मिली हुई है जो कि बहुत ही तगड़ी रेटिंग इस मूवी या फिर इस सीरीज को बनाती है अगर आप इसे देखना चाहते हिंदी में वो भी एकदम फ्री में तो मैं आपको बता दूं जो डिजनी प्लस ऑफ्टार है वहाँ पर ये सीरीज़ आ चुकी है एकदम फ्री में टोटल इसके एपिसोड जो है वो लगभग आपको बीस के अंदर देखने को मिल जाते हैं सभी एकदम फ्री में उपलब्ध हो चुकी है डिजी न्यू प्लस अवतार पर आप वहाँ पर देख सकते हैं वो काफ़ी अच्छी बात है कि अब डिज प्लस पे आपको बहुत सारे ऐसे शो जो है वो फ्री में देखने को मिल रहे हैं तो ये सीरीज जो, जो है वो आपको डिजनी प्लस ऑफ स्टार पर देखने को मिल जाएंगी तो अभी जो है प्लस ऑफ स्टार अवतार पर वहाँ पर जाकर देखिए एक सीरीज के अंदर आपको लगभग तेरह दे एपिसोड देखने को मिलते हैं और दूसरे के अंदर भी आपको लगभग इतने एपिसोड देखने को मिल जाते हैं इस सीरीज इस पूरी सीजन के अंदर आपको एक्शन देखने को मिलता है वैसे जो कहानी है आपको दिखाई गई है वो पूरी कहानी शायद आप लोगों ने कहीं कहने गई सुनी भी होगी तो यहाँ पर लीड जो यहाँ पर संभाला है वो शरद कहलकर जो संवाला है जो डबिंग की है वो शरद खेलकर रेज डिंग हमित डिओं डी माश अली विक्रम चतुर्वेदी रिचर्ड जोहैल पुष्कर विचेम ये सारे डब्बिंग आर्टिस्ट हैं जो काफ़ी अच्छी डबिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं और इन्होंने काफ़ी अच्छी बहुत ही बेहतरीन डबिंग की हुई है चलिए बात करते हैं हम लोग इसकी कहानी के बारे में कि आपको इस सीरीज़ के अंदर कहानी क्या देखने को मिलती है और क्या ये जो है वो एक ऐसा शो है जिसे हम लोग बिना थक के देख सकते हैं तो जी हाँ दोस्तों एक ऐसा शो बनाया गया है जो आप बिना थक के देख सकते हैं आप बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले हैं द लेजेंड ऑफ हनुमान एक प्रेरणादायक कहानी है जो बता है कि अपने समर्पण और साहस से एक साधारण वानर किस तरह महाबली और पूजनीय बन जाता है यह आमतौर पर यह आत्मबोध और अपनी शक्तियाँ पहचानने की कहानी भी है हनुमान के किरदार में कई बीडिया को प्रभावित किया है बच्चों से लेकर नौजवानों और बड़ों के बीच में यह चरित्र सम्मान रूप में लोकप्रिय है इस सीरीज में हनुमान को गड्डी के लिए सौ स्केचों का इस्तेमाल किया गया है जो उनके बचपन से लेकर एक योद्धा बनने तक का सफर जो एक कवर करते है कवर करता है वैसे डिजनी जो है ऐसे कमाल की एनिवर्टेज सीरीज लेता आ रहा आता ही है और बहुत सारे हॉलीवुड की सीरीज भी वो दे चुका है इस सीरीज में विजुअल एक्सप्रेस बनाने के लिए एक एमरसिव थ्री डी टेक्निक का उपयोग किया गया है इससे दृश्यों का जो है भव्यता और गहराई मिलती है हनुमान जी के जन्मस्थल किश्तिकंदा राक्षस नगर चंगल आदि को विशाल आकर दिया गया है लेजेंड ऑफ हनुमान की भाषा सरल नाम और आम बोलचाल वाल रखी गई है ताकि हर कोई इसे समझ सके जिससे इसे बड़े वर्ग को समझने में आसानी हो हालांकि इस बात का ध्यान रखा गया है कि भाषा की, की सरलता के किरदार भी जो है वो हल्के ना लगे सीरीज का टाइटल ट्रैक जो था वो काल बैरो और दिव्या कुमार ने आवाज़ दी हुई है काल बैर ब्लॉक फिल्म जो है वो बाबुल टू दे चुके हैं यानी कि सरद कलर की यहाँ पर बात हो रही है इसके अलावा इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर भी अपना जो सुंदर आवाज़ है वो दिया हुआ है इसकी कहानी कहा इंटरेस्टिंग है आपको कहीं पर भी बोर नहीं कराएंगी आप इसे देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं डी सी प्लस अफ्तार पे क्योंकि दोस्तों अभी प्रीमियम अवेलेबल है और कोई भी पैसा देने की आपको जरूरत नहीं है सवाल यहाँ पर यह भी आता है कि हमें इसका जो अगला सीजन है वो कब देखने को मिलेगा हालांकि दिल नजीड ऑफ़ हनुमान की तीसरी सीजन के बारे में अधिक जानकारी और इट्स की तारीख अभी तक साझा नहीं की गई थी पर सोशल मीडिया पर प्रशंसकों ने इस सीरीज़ के लिए प्यार जताया है और तीसरी सीजन के साथ लौटने पर उत्साह भी व्यक्त किया है ये सीरीज शरद देवराज जीवन जी कांग और चार पी सिदल द्वारा बनाई गई थी और ग्राफिक इंडिया द्वारा दिखभित है दरअसल इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और शरद देवराजन ने बताई थी जब ये सीरीज जब रिलीज कर रहे थे उनका आता है कि बहुत ही अच्छी होगी आप इसे देखिए हालांकि सब प्रोड्यूसर ये सब मिलकर ऐसे प्रमोशन करते हैं पर मैंने इसे देखा था बहुत टाइम पहले काफ़ी अच्छी सीरीज़ बनाई गई है तो मैं आप सभी से ये गुजरे करूँगा कि आप इसे ज़रूर देखिए ये आपको कहीं पर भी ऐसा बोर फील नहीं कराने देंगे और ये तक बांधे रखने में कामयाब रखती है इतना मैं आपको कह सकता हूँ अब यहाँ पर सवाल ये भी है कि इसका तीसरा सीज़न कब आएगा तो मैं आपको बता दूँ कि बारह जनवरी को रिलीज़ किया जा रहा है इसका तीसरा सीज़न और दूसरी गान की बात ये है कि बारह जनवरी को आपको शायद जो है सलार मूवी भी देखने को मिल सकती है नेटफ्लिक्स पे जी आपने बिल्कुल सही सुना बारह जनवरी को आपको एक बहुत ही बड़ी मूवी देखने को मिल सकती है वो है सलार और भी ऐसी बहुत सारी सीडेंट मूवी आ सकती है जैसे कि टाइगर थ्री है क्योंकि उस टाइम पर मौका है सबके पास क्योंकि नया साल है नया दिन है तो हर कोई जो है वो कोई नया कोई नया नया शो लेके ज़रूर आएंगे तो इस कमाल की सीरीज को नहीं देखा आए तो एक बार ज़रूर देखिए मुझे पूरा यकीन है आपको ये सीरीज़ ज़रूर पसंद आएगी अगर आप इसे देख चुके हैं तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा ये आपको कैसे लगी थी और आप लोग इसकी तीसरी सीरीज के लिए एक्साइटेड है या नहीं वो भी मुझे आप ज़रूर बताइएगा आपका हमारे वीडियो में स्वागत है और आज मैं आपको एक एनिमेटेड वेब सीरीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जो कि कमाल की है और इस सीरीज़ को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार आप ज़रूर देखिएगा ये आपको पसंद आ सकती है साथ में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये हिंदी में आपको देखने को मिलने वाली है और ये जो सीरीज़ है इसका वह तीसरा सीजन भी रिलीज़ होने वाला है तो इसके बारे में भी बाद हम करने वाले हैं तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की सीरीज़ के बारे में तो इसका नाम है द लेजेंड ऑफ़ हनुमान जो काफ़ी कमाल की और एक पारिवारिक एनिमेटेड सीरीज़ है इसके दो सीजन आ चुके हैं पहला सीजन इसका दो हज़ार इक्कीस में आया था दूसरा दूसरा दु, दो हज़ार बाईस में और तीसरा बार आने वाला है दो हज़ार चौबीस में वैसे काफ़ी तगड़ी ये सीरीज़ बनाई गई है ये आप लोग जो है वो पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं आप चाहे तो उसे बच्चों के साथ भी देख सकते हैं बहुत ही तगड़ी सीरीज़ बनाई गई है सच में ये आपको कहीं पर भी बोर नहीं कराएंगी तो जो आई एम डी बी है वहां पर दस में से नौ पॉइंट दो की रेटिंग मिली हुई हुई है जो कि बहुत ही तगड़ी रेटिंग इस मूवी या फिर इस सीरीज को बनाती है अगर आप इसे देखना चाहते हैं हिंदी में तो वो भी एकदम फ्री में तो मैं आपको बता दूं जो डिजनी प्लस अवतार है वहाँ पर ये सीरीज़ आ चुकी है एकदम फ्री में टोटल इसके एपिसोड जो है वो लगभग आपको बीस के अंदर देखने को मिल जाते हैं सभी एकदम फ्री में उपलब्ध हो चुकी है डिजनी प्लस अफतार पर आप वहाँ पर देख सकते हैं वो काफ़ी अच्छी बात है कि अब डिजनी प्लस पर आपको बहुत सारे ऐसे शो जो है वो फ्री में देखने को मिल रहे हैं तो ये सीरीज़ जो है वो आपको डिज प्लस अवतार पर देखने को मिल जाएंगी तो अभी जो डिजी प्लस अवतार पे वहाँ पर जाकर देखिए एक सीरीज़ के अंदर आपको लगभग तेरह दे एपिसोड देखने को मिलते हैं और दूसरे के अंदर भी आपको लगभग इतने एपिसोड देखने को मिल जाते हैं इस सीरीज इस पूरी सीजन के अंदर आपको एक्शन देखने को मिलता है वैसे जो कहानी है आपको दिखाई गई है वो पूरी कहानी शायद आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुनी भी होगी तो यहाँ पर लीड जो यहाँ पर संभाला है और शरद कहलकर जवाला है जो डब्बिंग की है वो शरत खेलकर रीज डिंग हमित डिडी माश अली विक्रम चतुर्वेदी रिचर्ड जोहेल पुष्कर विचे ये सारे डबिंग आर्टिस्ट हैं जो काफ़ी अच्छी डबिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं और इन्होंने काफ़ी अच्छी बहुत ही बेहतरीन डबिंग की हुई है चलिए बात करते हैं हम लोग इसकी कहानी के बारे में कि आपको इस सीरीज़ के अंदर कहानी क्या देखने को मिलती है और क्या ये जो है वो एक ऐसा शो है जिसे हम लोग बिना थक के देख सकते हैं तो जी हाँ दोस्तों एक ऐसा शो बनाया गया है जो आप बिना थक देख सकते हैं आप बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले हैं द लेजेंड ऑफ हनुमान एक प्रेरणादायक कहानी है जो बता है कि अपने समर्पण और साहस से एक साधारण वानर किस तरह महाबली और पूजनीय बन जाता है यह आमतौर पर यह आत्मबोध और अपनी शक्तियाँ पहचानने की कहानी भी है हनुमान के किरदार में कई बीडिया को प्रभावित किया है बच्चों से लेकर नौजवानों और बड़ों के बीच में यह चरित्र सम्मान रूप में लोकप्रिय है इस सीरीज में हनुमान को गड्ढे के लिए सौ स्केचों का इस्तेमाल किया गया है जो उनके बचपन से लेकर एक योद्धा बनने तक का सफर जो है कवर करते हैं वैसा डिजनी जो है ऐसे कमाल की एडिवर्टाज लेता आ रहा आता ही है और बहुत सारे हॉलीवुड की सीरीज भी वो दे चुका है इस सीरीज में विजुअल एक्सप्रियस बनाने के लिए एक एमरसिव 3D डी तकनीक का उपयोग किया गया है इससे दृश्यों का जो है भव्यता और गहराई मिलती है हनुमान जी के जन्म स्थल किस्टिकंदा राक्षस नगर चंगल आदि को विशाल आकर दिया गया है देश ऑफ हनुमान की भाषा सरल नाम और आम बोलचाल वाल रखी गई है ताकि हर कोई इसे समझ सके जिससे इसे बड़े वर्ग को समझने में आसानी हो हालांकि इस बात का ध्यान रखा गया है कि भाषा की, की सरलता के किरदार भी जो है वो हल्के ना लगे सीरीज का टाइटल ट्रैक जो था वो काल बैरो और दिव्या कुमार ने आवाज़ दी हुई है काल बैरो ब्लॉक बास्तर फिल्म जो है वो बाहबुल टू दे चुके हैं यानी कि सरद कलर के यहाँ पर बात हो रही है इसके अलावा इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर भी अपना जो सुंदर आवाज़ है वो दिया हुआ है इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये आपको कई बार भी बोर नहीं कराएंगी आप इसे देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं प्लस डीसी प्लसारे क्योंकि दोस्तों अभी में अवेलेबल है और कोई भी पैसा देने की आपको ज़रूरत नहीं है सवाल यहाँ पर यह भी आता है कि हमें इसका जो अगला सीज़न है वो कब देखने को मिलेगा हालांकि द लेजेंड ऑफ हनुमान के तीसरे सीज़न के बारे में अधिक जानकारी और इडट्स की तारीख अभी तक साझा नहीं की गई थी पर सोशल मीडिया पर प्रशंसकों ने इस सीरीज़ के लिए प्यार जताया है और तीसरी सीजन के साथ लौटने पर उत्साह भी व्यक्त किया है ये सीरीज़ शरद देवराज जीव जी कांग और चार वी पी सिदल द्वारा बनाई गई थी और ग्राफिक इंडिया द्वारा निर्मित है दरअसल इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और शरद देवराज ने बताई थी जब ये सीरीज जब रिलीज़ हो रहा थी उनका आता है कि बहुत ही अच्छी होगी आप इसे देखिए हालांकि सब प्रोड्यूसर ये सब मिलकर ऐसे प्रमोस करते हैं पर मैंने इसे देखा था बहुत टाइम पहले काफ़ी अच्छी सीरीज़ बनाई गई है तो मैं आप सभी से ये गुजरे करूँगा कि आप इसे ज़रूर देखिए ये आपको कहीं पर भी ऐसा बोर फील नहीं कराने देंगे और ये तक बांधे रखने में कामयाब रखती है इतना मैं आपको कह सकता हूँ अब यहाँ पर सवाल ये भी है कि इसका तीसरा सीज़न कब आएगा तो मैं आपको बता दूँ कि बारह जनवरी को रिलीज़ किया जा रहा है इसका तीसरा सीज़न और दूसरी कमान की बात यह है कि बारह जनवरी को आपको शायद जो है सलार मूवी देखने को मिल सकती है नेटफ्लिक्स पे जी आपने बिल्कुल सही सुना बारह जनवरी को आपको एक बहुत ही बड़ी मूवी देखने को मिल सकती है वो है सलार और भी ऐसी बहुत सारी मूवी आ सकती है जैसे कि डायरी रख रही है क्योंकि उस टाइम पर मौका है सबके पास क्योंकि नया साल है नया दिन है तो हर कोई जो है वो कोई नया कोई नया नया शो लेके ज़रूर आएंगे तो इस कमाल की सीरीज को नहीं देखा आए तो एक बार ज़रूर देखिए मुझे पूरा यकीन है कि नहीं, आपको ये सीरीज ज़रूर पसंद आएगी अगर आप इसे देख चुके हैं तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा ये आपको कैसे लगी थी और आप लोग इसकी तीसरी सीरीज के लिए एक्साइटेड है या नहीं वो भी मुझे आप ज़रूर बताइएगा आपका हमारे वीडियो में स्वागत है और आज मैं आपको एक एनिमेटेड वेब सीरीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जो काफ़ी कमाल की है और इस सीरीज़ को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार आप ज़रूर देखिएगा ये आपको पसंद आ सकती है साथ में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ही हिंदी में आपको देखने को मिलने वाली है और ये जो सीरीज़ है इसका वह तीसरा सीज़न भी रिलीज़ होने वाला है तो इसके बारे में भी बात हम करने वाले हैं तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की सीरीज़ के बारे में तो इसका नाम है द लेजेंड ऑफ हनुमान जो काफ़ी कमाल की और एक पारिवारिक एनिमेटेड सीरीज़ है इसके दो सीजन आ चुके हैं पहला सीजन इसका दो में आया था दूसरा दूसरा दो में और तीसरा बारह आने वाला है दो में वैसे काफ़ी तगड़ी ये सीरीज़ बनाई गई है ये आप लोग जो है वो पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं आप चाहे तो उसे बच्चों के साथ भी देख सकते हैं बहुत ही तगड़ी सीरीज़ बनाई गई है सच में ये आपको कहीं पर भी बोर नहीं कराएंगी तो जो आई एम डी बी है वहाँ पर दस में से नौ पॉइंट दो की रेटिंग मिली हुई है जो कि बहुत ही तगड़ी रेटिंग इस मूवी या फिर इस सीरीज को बनाती है अगर आप इसे देखना चाहते हैं हिंदी में वो भी एकदम फ्री में तो मैं आपको बता दूं जो डिजी प्लस अफतार है वहाँ पर ये सीरीज़ आ चुकी है एकदम फ्री में टोटल इसके एपिसोड जो है वो लगभग आपको बीस के अंदर देखने को मिल जाते हैं सभी एकदम फ्री में उपलब्ध हो चुकी है डिजी प्लस ऑफतार पे आप वहाँ पर देख सकते हैं वो तो काफ़ी अच्छी बात है कि अब डिजली प्लस पे आपको बहुत सारे ऐसे शो जो है वो फ्री में देखने को मिल रहे हैं तो ये सीरीज़ जो है वो आपको डिजली प्लस ऑफ स्टार पर देखने को मिल जाएंगी तो अभी जो डिजली प्लस ऑफ स्टार पर वहाँ पर जाकर देखिए एक सीरीज़ के अंदर आपको लगभग तेरह दे एपिसोड देखने को मिलते हैं और दूसरे के अंदर भी आपको लगभग इतने एपिसोड देखने को मिल जाते हैं ये सीरीज इस पूरी सीजन के अंदर आपको एक्शन देखने को मिलता है वैसे जो कहानी है आपको दिखाई गई है वो पूरी कहानी शायद आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुनी भी होगी तो यहाँ पर लीड जो यहाँ पर संभाला है वो शरद कहलकर संभाला है जो डबिंग की है वो शरद खेलकर रीज डिंग हमित डिओं डी मास अली विक्रम चतुर्वेदी रिचर्ड जोहेल पुष्कर विचेम ये सारे डबिंग आर्टिस्ट है जो काफ़ी अच्छी डबिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं और इन्होंने काफ़ी अच्छी बहुत ही बेहतरीन डबिंग की हुई है चलिए बात करते हैं हम लोग इसकी कहानी के बारे में कि आपको इस सीरीज़ के अंदर कहानी क्या देखने को मिलती है और क्या ये जो है वो एक ऐसा शो है जिसे हम लोग बिना थक के देख सकते हैं तो जी हाँ दोस्तों एक ऐसा शो बनाया गया है जो आप बिना थक के देख सकते हैं आप बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले हैं द लेजेंड ऑफ हनुमान एक प्रेरणादायक कहानी है जो बता दीजिए कि अपने समर्पण और साहस से एक साधारण वानर किस तरह महाबली और पुजलीय बन जाता है यह आम पर यह आत्मबोध और अपनी शक्तियाँ पहचानने की कहानी भी है हनुमान के किरदार में कई बीडिया को प्रभावित किया है बच्चों से लेकर नौजवानों और बड़ों के बीच में यह चरित्र सम्मान रूप में लोकप्रिय है इस सीरीज में हनुमान को गड्ढी के लिए सौ स्केचों का इस्तेमाल किया गया है जो उनके बचपन से लेकर एक योद्धा बनने तक का सफर जो है कवर करते हैं वैसा डिजनी जो है ऐसे कमाल की एनिवर्टेसरी लेता आ रहा आता ही है और बहुत सारे हॉलीवुड की सीरीज भी दे चुका है इस सीरीज में विजुअल एक्सप्रेस बनाने के लिए एक तकनीक का उपयोग किया गया है ऐसे दृश्यों का जो है भव्यता और गहराई मिलती है हनुमान जी के जन्म स्थल किश्ट राक्षस नगर चंगल आदि को विशाल आकार दिया गया है द लेजेंड ऑफ हनुमान की भाषा सरल नाम और आम बोलचाल चाल रखी गई है ताकि हर कोई इसे समझ सके जिससे जिससे बड़े वर्ग को समझने में आसानी हो हालांकि इस बात का ध्यान रखा गया है कि भाषा की सरलता के किरदार भी जो है वो हल्के ना लगे सीरीज़ का टाइटल ट्रैक जो था वो काल बैरो और दिव्या कुमार ने आवाज़ दी हुई है काल बैरो ब्लॉक बात जो है वो बाहबुल टू दे चुके हैं यानी कि सरल कलर के यहाँ पर बात हो रही है इसके अलावा इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर भी अपना जो सुंदर आवाज़ है वो दिया हुआ है इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है या आपको कहीं बार भी बोर नहीं कराएंगी आप इसे देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं डी प्लस औफ्तार पे क्योंकि दोस्तों अभी प्रीमियम अवेलेबल है और कोई भी पैसा देने की आपको ज़रूरत नहीं है सवाल यहाँ पर यह भी आता है कि हमें इसका जो अगला सीज़न है वो कब देखने को मिलेगा हालांकि द दिल लज हनुमान के तीसरे सीज़न के बारे में अधिक जानकारी और इेट्स की तारीख अभी तक साझा नहीं की गई थी पर सोशल मीडिया पर प्रशंसकों ने इस सीरीज़ के लिए प्यार जताया है और तीसरी सीजन के साथ लौटने पर उत्साह भी व्यक्त किया है ये सीरीज शरद देवराज जीवत जी कांग और चार पी सिदल द्वारा बनाई गई थी और ग्राफिक इंडिया द्वारा निर्मित है दरअसल इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और शरद देवराज ने बताई थी जब ये सीरीज़ जब रिलीज हो रही थे उनका आदाई बहुत ही अच्छी होगी आप इसे देखी हाँ कि सब प्रोड्यूसर ये सब मेकर ऐसे प्रमोशन करते हैं पर मैंने इसे देखा था बहुत टाइम पहले काफ़ी अच्छी सीरीज़ बनाई गई है तो मैं आप सभी से ये भी गुजरस्ट करूँगा कि आप इसे ज़रूर देखिए ये आपको कहीं पर भी ऐसा बोर फील नहीं कराने देंगे और ये आंट तक बांधे रखने में कामयाब रखती है इतना मैं आपको कह सकता हूँ अब यहाँ पर सवाल ये भी है कि इसका तीसरा सीज़न कब आएगा तो मैं आपको बता दूँ कि बारह जनवरी को रिलीज़ किया जा रहा है इसका तीसरा सीज़न और दूसरी मान की बात ये है कि बारह जनवरी को आपको शायद जो है सलार मूवी देखने को मिल सकती है नेटफ्लिक्स पे जी आपने बिल्कुल सही सुना बारह जनवरी को आपको एक बहुत ही बड़ी मूवी देखने को मिल सकती है वो है सलार और भी ऐसी बहुत सारी सीटे मूवी आ सकती है जैसे है, तो कि टाइगर थ्री है क्योंकि उस टाइम पर मौका है सबके पास क्योंकि तो नया साल है नया दिन है तो हर कोई जो है वो कोई नया कोई नया नया शो ले ज़रूर आएंगे तो इस कमाल की सीरीज़ को नहीं देखा आए तो एक बार जरूर देखिए मुझे पूरा यकीन है आपको ये सीरीज़ ज़रूर पसंद आएगी अगर आप इसे देख चुके हैं तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा ये आपको कैसे लगी थी और आप लोग इसकी तीसरी सीरीत के लिए एक्साइटेड है या नहीं वो भी मुझे आप ज़रूर बताइएगा आपका हमारे वीडियो में स्वागत है और आज मैं आपको एक एनिमेटेड वेब सीरीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जो काफ़ी कमाल की है और इस सीरीज़ को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार आप ज़रूर देखिएगा ये आपको पसंद आ सकती है साथ में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ही हिंदी में आपको देखने को मिलने वाली है और ये जो सीरीज़ है इसका वह तीसरा सीज़न भी रिलीज़ होने वाला है तो इसके बारे में भी बात हम करने वाले हैं तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की सीरीज़ के बारे में तो इसका नाम है द लेजेंड ऑफ हनुमान जो काफ़ी कमाल की और एक पारिवारिक एनिमेटेड सीरीज़ है इसके दो सीज़न आ चुके हैं पहला सीजन इसका दो में आया था दूसरा दु, दो में और तीसरा बार आने वाला है दो में वैसे काफ़ी तगड़ी ये सीरीज़ बनाई गई है ये आप लोग जो है वो पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं आप चाहे तो उसे बच्चों के साथ भी देख सकते हैं बहुत ही तगड़ी सीरीज बनाई गई है सच में ये आपको कहीं पर भी बोर नहीं कराएंगी तो जो आई एम डी है वहाँ पर दस में से नौ पॉइंट दो की रेटिंग मिली हुई है जो कि बहुत ही तगड़ी रेटिंग इस मूवी या फिर इस सीरीज़ को बनाती है अगर आप इसे देखना चाहते हिंदी में वो भी एकदम फ्री में तो मैं आपको बता दूँ जो डिजनी प्लस ऑफ्टार है वहाँ पर ये सीरीज आ चुकी है एकदम फ्री में टोटल इसके एपिसोड जो है वो लगभग आपको बीस के अंदर देखने को मिल जाते हैं सभी एकदम फ्री में उपलब्ध हो चुके हैं डिजी न्यू प्लस अवतार पे आप वहाँ पे देख सकते हैं वो काफ़ी अच्छी बात है कि अब डिजन्यू प्लस पे आपको बहुत सारे ऐसे शो जो है वो फ्री में देखने को मिल रहे हैं तो ये सीरीज जो है वो आपको डिजनी प्लस अवतार पे देखने को मिल जाएंगी तो अभी जो डिजिली प्लस अवतार पर वहाँ पर जाकर देखिए एक सीरीज़ के अंदर आपको लगभग तेरह दे एपिसोड देखने को मिलते हैं और दूसरे के अंदर भी आपको लगभग इतने एपिसोड देखने को मिल जाते हैं इस सीरीज इस पूरी सीजन के अंदर आपको एक्शन देखने को मिलता है वैसे जो कहानी है आपको दिखाई गई है वो पूरी कहानी शायद आप लोगों ने कहीं कहने गई सुनी भी होगी तो यहाँ पर लीड जो यहाँ पर संभाला है वो शरद कलकर ने संभाला है जो डबिंग की है वो शरद खेलकर रेज डिंग हमित डिओं डी माश अली विक्रम चतुर्वेदी रिचार्ड जो हेल उस विचे ये सारे डबिंग आर्टिस्ट है जो काफ़ी अच्छी डबिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं और इन्होंने काफ़ी अच्छी बहुत ही बेहतरीन डबिंग की वो भी है चलिए बात करते हैं हम लोग इसकी कहानी के बारे में कि आपको इस सीरीज़ के अंदर कहानी क्या देखने को मिलती है और क्या ये जो है वो एक ऐसा शो है जिसे हम लोग बिना थक के देख सकते हैं तो जी हाँ दोस्तों एक ऐसा शो बनाया गया है जो आप बिना थक के देख सकते हैं आप बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले हैं द लेजेंड ऑफ हनुमान एक प्रेरणादायक कहानी है जो बता है कि अपने समर्पण और साहस से एक साधारण वानर किस तरह महाबली और पूजनीय बन जाता है यह आमतौर पर यह आत्मबोध और अपनी शक्तियाँ पहचानने की कहानी भी है हनुमान के किरदार में कई बीडिया को प्रभावित किया है बच्चों से लेकर नौजवानों और बड़ों के बीच में यह चरित्र सम्मान रूप में लोकप्रिय है इस सीरीज में रुमान को गड्डी के लिए सौ स्केचों का इस्तेमाल किया गया है जो उनके बचपन से लेकर एक योद्धा बनने तक का सफर जो है कवर करता है वैसा डिजनी जो है ऐसे कमाल की एडवर्टाजी लेत लेता आ रहा आता ही है और बहुत सारे हॉलीवुड की सीरीज भी वो दे चुका है इस सीरीज में विजुअल एक्सप्रियस बनाने के लिए एक एमरसिव थ्री डी टेक्निक का उपयोग किया गया है ऐसे दृश्यों का जो है भव्यता और गहराई मिलती है हनुमान जी के जन्मस्थल किश्तिकंदा राक्षस नगर चंगल आदि को विशाल आकर दिया गया है ऑफ हनुमान की भाषा सरल नाम और आम बोलचाल वाली वाल रखी गई है ताकि हर कोई इसे समझ सके जिससे इसे बड़े वर्ग को समझने में आसानी हो हालांकि इस बात का ध्यान रखा गया है कि भाषा की, की सरलता के किरदार भी जो है वो हल्के ना लगे सीरीज का टाइटल ट्रैक जो था वो काल भैरो और दिव्या कुमार ने आवाज दी हुई है काल बैरो ब्लॉक बातर बम जो है वो बाबुल टू दे चुके हैं यानी कि सरद कलर की यहाँ पर बात हो रही है इसके अलावा इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर भी अपना जो सुंदर आवाज़ है वो दिया हुआ है इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये आपको कहीं पर भी बोर नहीं कराएंगी आप इसे देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं डीसी प्लस अफ्तार पर क्योंकि दोस्तों अभी प्रीमियम अवेलेबल है और कोई भी पैसा देने की आपको ज़रूरत नहीं है सवाल यहाँ पर ये भी आता है कि हमें इसका जो अगला सीज़न है वो कब देखने को मिलेगा हालांकि इधर लेजेंड ऑफ हनुमान की तीसरे सीजन के बारे में अधिक जानकारी और रिलडेट की तारीख अभी तक साझा नहीं की गई थी पर सोशल मीडिया पर प्रशंसकों ने इस सीरीज़ के लिए प्यार जताया है और तीसरी सीजन के साथ लौटने पर उत्साह भी व्यक्त किया है ये सीरीज़ शरद देवराज जीवन जी का और चार पी सिदल द्वारा बनाई गई थी और ग्राफिक इंडिया द्वारा दिखभित है दरअसल इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और शरद देवराजन ने बताई थी जब ये सीरीज़ जब रिलीज करें उनको कहा था कि बहुत ही अच्छी होगी आप इसे देखिए हालांकि सब प्रोड्यूसर ये सब मिलकर ऐसे प्रमोशन करते हैं पर मैंने इसे देखा था बहुत टाइम पहले काफ़ी अच्छी सीरीज़ बनाई गई है तो मैं आप सभी से ये गुजरस करूँगा कि आप इसे ज़रूर देखिए ये आपको कहीं पर भी ऐसा बोर फील नहीं कराने देंगे और ये तक बांधे रखने में कामयाब रखती है इतना मैं आपको कह सकता हूँ अब यहाँ पर सवाल ये भी है कि इसका तीसरा सीज़न कब आएगा तो मैं आपको बता दूँ कि बारह जनवरी को रिलीज़ किया जा रहा है इसका तीसरा सीज़न और दूसरी कमान की बात यह है कि बारह जनवरी को आपको शायद जो है सलार मूवी देखने को मिल सकती है नेटफ्लिक्स पे जी आपने बिल्कुल सही सुना बारह जनवरी को आपको एक बहुत ही बड़ी मूवी देखने को मिल सकती है वो है सलार और भी ऐसी बहुत सारी मूवी आ सकती है जैसे कि टाइगर थ्री है क्योंकि उस टाइम पर मौका है सबके पास क्योंकि नया साल है नया दिन है तो हर कोई जो है वो कोई नया कोई नया नया शो लेके ज़रूर आएंगे तो इस कमाल की सीरीज़ को नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिए मुझे पूरा यकीन है आपको ये सीरीज़ ज़रूर पसंद आएगी अगर आप इसे देख चुके हैं तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा ये आपको कैसे लगी थी और आप लोग इसकी तीसरी सीरीज के लिए एक्साइटेड है या नहीं वो भी मुझे आप ज़रूर बताइएगा आपका हमारे वीडियो में स्वागत है और आज मैं आपको एक एनिमेटेड वेब सीरीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जो कि कमाल की है और इस सीरीज़ को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार आप ज़रूर देखिएगा ये आपको पसंद आ सकती है साथ में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये हिंदी में आपको देखने को मिलने वाली है और ये जो सीरीज़ है इसका वह तीसरा सीजन भी रिलीज़ होने वाला है तो इसके बारे में भी बात हम करने वाले हैं तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की सीरीज़ के बारे में तो इसका नाम है द लेजेंड ऑफ़ हनुमान जो काफ़ी कमाल की और एक पारिवाईक एनिमेटेड सीरीज़ है इसके दो सीजन आ चुके हैं पहला सीजन इसका दो हज़ार इक्कीस में आया था दूसरा दु, दो हज़ार बाईस में और तीसरा बार आने वाला है दो हज़ार चौबीस में वैसे काफ़ी तगड़ी ये सीरीज़ बनाई गई है ये आप लोग जो है वो पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं आप चाहे तो उसे बच्चों के साथ भी देख सकते हैं बहुत ही तगड़ी सीरीज़ बनाई गई है सच में ये आपको कहीं पर भी बोर नहीं कराएंगी तो जो आई एम डी बी है वहां पर दस में से नौ पॉइंट दो की रेटिंग मिली हुई हुई है जो कि बहुत ही तगड़ी रेटिंग इस मूवी या फिर इस सीरीज़ को बनाती है अगर आप इसे देखना चाहते हैं हिंदी में तो वो भी एकदम फ्री में तो मैं आपको बता दूँ जो डिजनी प्लस हॉटस्टार है वहाँ पर ये सीरीज़ आ चुकी है एकदम फ्री में टोटल इसके एपिसोड जो है वो लगभग आपको बीस के अंदर देखने को मिल जाते हैं सभी एकदम फ्री में उपलब्ध हो चुकी है डिजी न्यू प्लस ऑफतार पर आप वहाँ पर देख सकते हैं वो काफ़ी अच्छी बात है कि अब डिजन्यू प्लस पे आपको बहुत सारे ऐसे शो जो है वो फ्री में देखने को मिल रहे हैं तो ये सीरीज़ जो है वो आपको डिजड्यू प्लस अफतार पर देखने को मिल जाएंगी तो अभी जो डिजनी प्लस अफतार पर वहाँ पर जाकर देखिए एक सीरीज़ के अंदर आपको लगभग तेरह दे एपिसोड देखने को मिलते हैं और दूसरे के अंदर भी आपको लगभग इतने एपिसोड देखने को मिल जाते हैं ये सीरीज इस पूरी सीजन के अंदर आपको एक्शन देखने को मिलता है वैसे जो कहानी है आपको दिखाई गई है वो पूरी कहानी शायद आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुनी भी होगी तो यहाँ पर लीड जो यहाँ पर संभाला है वो शरद कहलकर ने सवाल आया जो डब्बिंग की है वो शरद खेलकर रीज डिंग अमित डिओंडी मास अली विक्रम चतुर्वेदी रिचर्ड जोहेल पुष्कर विचे ये सारे डबिंग आर्टिस्ट है जो काफ़ी अच्छी डबिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं और इन्होंने काफ़ी अच्छी बहुत ही बेहतरीन डबिंग की वो है चलिए बात करते हैं हम लोग इसकी कहानी के बारे में कि आपको इस सीरीज़ के अंदर कहानी क्या देखने को मिलती है और क्या ये जो है वो एक ऐसा शो है जिसे हम लोग बिना रख के देख सकते हैं तो जी हाँ दोस्तों एक ऐसा शो बनाया गया है जो आप बिना थक देख सकते हैं आप बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले हैं द लेजेंड ऑफ हनुमान एक प्रेरणादायक कहानी है जो बताती है कि अपने समर्पण और साहस से एक साधारण वानर किस तरह महाबली और पूजलीय बन जाता है यह आमतौर पर यह आत्मबोध और अपनी शक्तियाँ पहचानने की कहानी भी है हनुमान के किरदार में कई बीडिया को प्रभावित किया है बच्चों से लेकर नौजवानों और बड़ों के बीच में यह चरित्र सम्मान रूप में लोकप्रिय है इस सीरीज में हनुमान को गड्डी के लिए सौ स्केचों का इस्तेमाल किया गया है जो उनके बचपन से लेकर एक योद्धा बनने तक का सफर जो है कवर करता है वैसा डिजनी जो है ऐसे कमाल की एनिवर्टेज सीरीज लेते लेता आ रहा आता ही है और बहुत सारे हॉलीवुड की सीरीज भी वो दे चुका है इस सीरीज में विजुअल एक्सप्रियस बनाने के लिए एक एमरसिव थ्री डी तकनीक का उपयोग किया गया है इससे दृश्यों का जो है भव्यता और गहराई मिलती है हनुमान जी के जन्मस्थल किश्तकंदा राक्षस नगर चंगल आदि को विशाल आकर दिया गया है दल ऑफ हनुमान की भाषा सरल नाम और आम बोलचाल वाल रखी गई है ताकि हर कोई इसे समझ सके जिससे इसे बड़े वर्ग को समझने में आसानी हो हालांकि इस बात का ध्यान रखा गया है कि भाषा की, की सरलता के किरदार भी जो है वो हल्के ना लगे सीरीज का टाइटल ट्रैक जो था वो काल बैरो और दिव्या कुमार ने आवाज़ दी हुई है काल बैरो ब्लॉक बास्तर फिल्म जो है वो बाहबुल टू दे चुके हैं यानी कि शरद कलर के यहाँ पर बात हो रही है इसके अलावा इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर भी अपना जो सुंदर आवाज़ है वो दिया हुआ है इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये आपको कहीं बार भी बोर नहीं कराएंगी आप इसे देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं डीसी प्लस औफ्तार पे क्योंकि दोस्तों अभी प्रीमियम अवेलेबल है और कोई भी पैसा देने की आपको जरूरत नहीं है सवाल यहाँ पर यह भी आता है कि हमें इसका जो अगला सीजन है वो कब देखने को मिलेगा हालांकि द दिल ऑफ हनुमान के तीसरे सीजन के बारे में अधिक जानकारी और रिलडेट की तारीख अभी तक साझा नहीं की गई थी पर सोशल मीडिया पर प्रशंसकों ने इस सीरीज़ के लिए प्यार जताया है और तीसरी सीजन के साथ लौटने पर उत्साह भी व्यक्त किया है ये सीरीज़ शरद देवराज जीवत जी कांग और चार पी सिदल द्वारा बनाई गई थी और ग्राफिक इंडिया द्वारा निर्मित है दरअसल इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और शरद देवराज ने बताई थी जब ये सीरीज़ जब रिलीज रुण 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 हो रो थी उनका आता है बहुत ही अच्छी होगी आप इसे देखिए हालांकि सब प्रोड्यूसर ये सब मिलकर ऐसे प्रमोशन करते हैं पर मैंने इसे देखा था बहुत टाइम पहले काफ़ी अच्छी सीरीज़ बनाई गई है तो मैं आप सभी से ये गुजरे करूँगा कि आप इसे ज़रूर देखिए ये आपको कहीं पर भी ऐसा बोर फील नहीं कराने देंगे और ये एंड तक बांधे रखने में कामयाब रखती है इतना मैं आपको कह सकता हूँ अब यहाँ पर सवाल ये भी है कि इसका तीसरा सीज़न कब आएगा तो मैं आपको बता दूँ कि बारह जनवरी को रिलीज़ किया जा रहा है इसका तीसरा सीज़न और दूसरी मान की बात यह है कि बारह जनवरी को आपको शायद जो है सलार मूवी देखने को मिल सकती है नेटफ्लिक्स पे जी आपने बिल्कुल सही सुना बारह जनवरी को आपको एक बहुत ही बड़ी मूवी देखने को मिल सकती है वो है सलार और भी ऐसी बहुत सारी सीडेंट मूवी आ सकती है जैसे कि टाइगर थ्री है क्योंकि उस टाइम पर मौका है सबके पास क्योंकि नया साल है नया दिन है तो हर कोई जो है वो कोई नया कोई नया नया शो लेके ज़रूर आएंगे तो इस कमाल की सीरीज़ को नहीं देखा आए तो एक बार ज़रूर देखिए मुझे पूरा यह कि नहीं आपको ये सीरीज़ ज़रूर पसंद आएगी अगर आप इसे देख चुके हैं तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा ये आपको कैसे लगी थी और आप लोग इसकी तीसरी सीरीज के लिए एक्साइटेड है या नहीं वो भी मुझे आप ज़रूर बताइएगा आपका हमारे वीडियो में स्वागत है और आज मैं आपको एक एनिमेटेड वेब सीरीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जो का कमाल की है और इस सीरीज़ को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार आप ज़रूर देखिएगा ये आपको पसंद आ सकती है साथ में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये हिंदी में आपको देखने को मिलने वाली है और ये जो सीरीज़ है इसका वह तीसरा सीज़न भी रिलीज़ होने वाला है तो इसके बारे में भी बात हम करने वाले हैं तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की सीरीज़ के बारे में तो इसका नाम है द लेजेंड ऑफ हनुमान जो काफ़ी कमाल की और एक पारिवारिक एनिमेटेड सीरीज़ है इसके दो सीजन आ चुके हैं पहला सीजन इसका दो में आया था दूसरा दु, दो में और तीसरा बार आने वाला है दो में वैसे काफ़ी तगड़ी ये सीरीज़ बनाई गई है ये आप लोग जो है वो पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं आप चाहे तो उसे बच्चों के साथ भी देख सकते हैं बहुत ही तगड़ी सीरीज़ बनाई गई है सच में ये आपको कहीं पर भी बोर नहीं कराएंगी तो जो आई एम डी बी है वहाँ पर दस में से नौ पॉइंट दो की रेटिंग मिली हुई है जो कि बहुत ही तगड़ी रेटिंग इस मूवी या फिर इस सीरीज़ को बनाती है अगर आप इसे देखना चाहते हैं हिंदी में वो भी एकदम फ्री में तो मैं आपको बता दूँ जो डिजी प्लस अफतार है वहाँ पर ही सीरीज़ आ चुकी है एकदम फ्री में टोटल इसके एपिसोड जो है वो लगभग आपको बीस के अंदर देखने को मिल जाते हैं सभी एकदम फ्री में उपलब्ध हो चुकी है डीजी प्लस अफतार में आप वहाँ पे देख सकते हैं वो काफ़ी अच्छी बात है कि अब डिजनी प्लस पे आपको बहुत सारे ऐसे शो जो हैं वो फ्री में देखने को मिल रहे हैं तो ये सीरीज़ जो है वो आपको डिजनी प्लस अफतार पर देखने को मिल जाएंगी तो अभी जो डिजनी प्लस अफतार पर वहाँ पर जाकर देखिए एक सीरीज़ के अंदर आपको लगभग तेरह एपिसोड देखने को मिलते हैं और दूसरे के अंदर भी आपको लगभग इतने एपिसोड देखने को मिल जाते हैं इस सीरीज इस पूरी सीजन के अंदर आपको एक्शन देखने को मिलता है वैसे जो कहानी है आपको दिखाई गई है वो पूरी कहानी शायद आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुनी भी होगी तो यहाँ पर लीड जो यहाँ पर संभाला है वो शरद कहलकर संभाला है जो डबिंग की है वो शरद खेलकर रीज डिंग हमित डिओं डी माश अली विक्रम चतुर्वेदी रिचर्ड जोहेल पुष्कर विचे ये सारे डबिंग आर्टिस्ट है जो काफ़ी अच्छी डबिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं और इन्होंने काफ़ी अच्छी बहुत ही बेहतरीन डबिंग की वो है चलिए बात करते हैं हम लोग इसकी कहानी के बारे में आपको इस सीरीज के अंदर कहानी क्या देखने को मिलती है और क्या ये जो है वो एक ऐसा शो है जिसे हम लोग बिना थक के देख सकते हैं तो जी हाँ दोस्तों एक ऐसा शो बनाया गया है जो आप बिना थक के देख सकते हैं आप बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले हैं द लेजेंड ऑफ हनुमान एक प्रेरणादायक कहानी है जो बता है कि अपने समर्पण और साहस से एक साधारण वानर किस तरह महाबली और पुजलीय बन जाता है यह आमतौर पर यह आत्मबोध और अपनी शक्तियाँ पहचानने की कहानी भी है हनुमान के किरदार में कई बीडिया को प्रभावित किया है बच्चों से लेकर नौजवानों और बड़ों के बीच में यह चरित्र सम्मान रूप में लोकप्रिय है इस सीरीज़ में हनुमान को गड्ढी के लिए सौ स्केचों का इस्तेमाल किया गया है जो उनके बचपन से लेकर एक योद्धा बनने तक का सफर जो है कवर करते हैं वैसा डिजनी जो है ऐसे कमाल की एडिवर्टाजरी लेता आ रहा आता ही है और बहुत सारे हॉलीवुड की सीरीज भी दे चुका है इस सीरीज में विजुअल एक्सप्रेस बनाने के लिए एक एमरसिव थ्री डी का उपयोग किया गया है इससे दृश्यों का जो है भव्यता और गहराई मिलती है हनुमान जी के जन्म स्थल राक्षस नगर चंगल आदि को विशाल आकर दिया गया है द लेजेंड ऑफ हनुमान की भाषा सरल नाम और आम बोलचाल चाल रखी गई है ताकि हर कोई इसे समझ सके जिससे जिससे बड़े वर्ग को समझने में आसानी हो हालांकि इस बात का ध्यान रखा गया है कि भाषा की सरलता के किरदार भी जो है वो हल्के ना लगे सीरीज़ का टाइटल ट्रैक जो था वो काल बैरो और दिव्या कुमार ने आवाज़ दी हुई है काल बैरो ब्लॉक बा अफ्तर जो है वो बाहबुल टू दे चुके हैं यानी कि सरल कलर की यहाँ पर बात हो रही है इसके अलावा इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर भी अपना जो सुंदर आवाज़ है वो दिया हुआ है इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है या आपको कई बार भी बोर नहीं कराएंगी आप इसे देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं डीसी प्लस और क्योंकि दोस्तों अभी प्रीमियम अवेलेबल है और कोई भी पैसा देने की आपको ज़रूरत नहीं है सवाल यहाँ पर यह भी आता है कि हमें इसका जो अगला सीज़न है वो कब देखने को मिलेगा हालाँकि दिल नजी हनुमान के तीसरे सीजन के बारे में अधिक जानकारी और इड्स की तारीख अभी तक साझा नहीं की गई थी पर सोशल मीडिया पर प्रशंसकों ने इस सीरीज़ के लिए प्यार जताया है और तीसरी सीजन के साथ लौटने पर उत्साह भी व्यक्त किया है ये सीरीज शरद देवराज जीवत जी कांग और चार पी सिदल द्वारा बनाई गई थी और ग्राफिक इंडिया द्वारा निर्मित है दरअसल इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और शरद देवराज ने बताई थी जब ये सीरीज जब रिलीज हो रहा उनका आदाई बहुत ही अच्छी होगी आप इसे देखिए हालांकि के सब प्रोड्यूसर ये सब मिलकर ऐसे प्रमोशन करते हैं पर मैंने इसे देखा था बहुत टाइम पहले काफ़ी अच्छी सीरीज़ बनाई गई है तो मैं आप सभी से ये गुजरे करूँगा कि आप इसे ज़रूर देखिए ये आपको कहीं पर भी ऐसा बोर फील नहीं कराने देंगे और ये आंट तक बांधे रखने में कामयाब रखती है इतना मैं आपको कह सकता हूँ अब यहाँ पर सवाल ये भी है कि इसका तीसरा सीज़न कब आएगा तो मैं आपको बता दूँ कि बारह जनवरी को रिलीज़ किया जा रहा है इसका तीसरा सीज़न और दूसरी कमान की बात ये है कि बारह जनवरी को आपको शायद जो है सलार मूवी देखने को मिल सकती है नेटफ्लिक्स पे जी आपने बिल्कुल सही सुना बारह जनवरी को आपको एक बहुत ही बड़ी मूवी देखने को मिल सकती है वो है सलार और भी ऐसी बहुत सारी ऐसी मूवी आ सकती है जैसे कि टाइगर थ्री है क्योंकि उस टाइम पर मौका है सबके पास क्योंकि नया साल है नया दिन है तो हर कोई जो है वो कोई नया कोई नया नया शो लेके ज़रूर आएंगे तो इस कमाल की सीरीज को नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिए मुझे पूरा यकीन है आपको ये सीरीज ज़रूर पसंद आएगी अगर आप इसे देख चुके हैं तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा ये आपको कैसे लगी थी और आप लोग इसकी तीसरी सीज के लिए एक्साइटेड है या नहीं वो भी मुझे आप ज़रूर बताइएगा आपका हमारे वीडियो में स्वागत है और आज मैं आपको एक एनिमेटेड वेब सीरीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जो काफ़ी कमाल की है और इस सीरीज़ को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार आप ज़रूर देखिएगा ये आपको पसंद आ सकती है साथ ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ही हिंदी में आपको देखने को मिलने वाली है और ये जो सीरीज़ है इसका वह तीसरा सीज़न भी रिलीज़ होने वाला है तो इसके बारे में भी बात हम करने वाले हैं तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की सीरीज़ के बारे में तो इसका नाम है द लेजेंड ऑफ़ हनुमान जो काफ़ी कमाल की और एक पारिवारिक एनिमेटेड सीरीज़ है इसके दो सीज़न आ चुके हैं पहला सीजन इसका दो में आया था दूसरा दु, दो में और तीसरा बार आने वाला है दो में वैसे काफ़ी तगड़ी ये सीरीज़ बनाई गई है ये आप लोग जो है वो पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं आप चाहे तो उसे बच्चों के साथ भी देख सकते हैं बहुत ही तगड़ी सीरीज बनाई गई है सच में ये आपको कहीं पर भी बोर नहीं कराएंगी तो जो आईएमडीबी है वहां पर दस में से नौ पॉइंट दो की रेटिंग मिली हुई है जो कि बहुत ही तगड़ी रेटिंग इस मूवी या फिर इस सीरीज को बनाती है अगर आप इसे देखना चाहते हिंदी में वो भी एकदम फ्री में तो मैं आपको बता दूँ जो डिजनी प्लस ऑफटार है वहाँ पर ये सीरीज़ आ चुकी है एकदम फ्री में टोटल इसके एपिसोड जो है वो लगभग आपको बीस के अंदर देखने को मिल जाते हैं सभी एकदम फ्री में उपलब्ध हो चुकी है डिज न्यू प्लस अवतार पे आप वहाँ पर देख सकते हैं वो काफ़ी अच्छी बात है कि अब डिज प्लस पे आपको बहुत सारे ऐसे शो जो है वो फ्री में देखने को मिल रहे हैं तो ये सीरीज़ जो है वो आपको डिज न्यू प्लस अवतार पे देखने को मिल जाएंगी तो अभी जो है डिजन्यू प्लस अफतार पे वहाँ पर जाकर देखिए एक सीरीज के अंदर आपको लगभग तेरह दे एपिसोड देखने को मिलते हैं और दूसरे के अंदर भी आपको लगभग इतने एपिसोड देखने को मिल जाते हैं इस सीरीज इस पूरी सीजन के अंदर आपको एक्शन देखने को मिलता है वैसे जो कहानी है आपको दिखाई गई है वो पूरी कहानी शायद आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुनी भी होगी तो यहाँ पर लीड जो यहाँ पर संभाला है वो शरद खेलकर ने संभाला है जो डबिंग की है वो शरद खेलकर रेज डिंग हमीत डिओं डी माश अली विक्रम चतुर्वेदी रिचार्ड जोहेल उसको ये सारे डबिंग आर्टिस्ट है जो काफ़ी अच्छी डबिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और इन्होंने काफ़ी अच्छी बहुत ही बेहतरीन डबिंग की हुई है चलिए बात करते हैं हम लोग इसकी कहानी के बारे में कि आपको इस सीरीज़ के अंदर कहानी क्या देखने को मिलती है और क्या ये जो है वो एक ऐसा शो है जिसे हम लोग बिना थक के देख सकते हैं तो जी हाँ दोस्तों एक ऐसा शो बनाया गया है जो आप बिना थक के देख सकते हैं आप बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले हैं द लेजेंड ऑफ हनुमान एक प्रेरणादायक कहानी है जो बता है कि अपने समर्पण और साहस से एक साधारण वानर किस तरह महाबली और पूजनीय बन जाता है यह आमतौर पर यह आत्मबोध और अपनी शक्तियाँ पहचानने की कहानी भी है हनुमान के किरदार में कई बीडिया को प्रभावित किया है बच्चों से लेकर नौजवानों और बड़ों के बीच में यह चरित्र सम्मान रूप में लोकप्रिय है इस सीरीज में हनुमान को गड्डी के लिए सौ स्केचों का इस्तेमाल किया गया है जो उनके बचपन से लेकर एक योद्धा बनने तक का सफर जो एक करते है कवर करता है वैसे डिजनी जो है ऐसे कमाल की एनिवर्टेज सीरीज ले, लेता आ रहा आता ही है और बहुत सारे हॉलीवुड की सीरीज भी वो दे चुका है इस सीरीज में विजुअल एक्सप्रियस बनाने के लिए एक एमरस्यू थ्री डी टेक्निक का उपयोग किया गया है इससे दृश्यों का जो है भव्यता और गहराई मिलती है हनुमान जी के जन्मस्थल किस्टिकंदा राक्षस नगर चंगल आदि को विशाल आकर दिया गया है द लेजेंट ऑफ हनुमान की भाषा सरल नाम और आम बोलचाल वाल रखी गई है ताकि हर कोई इसे समझ सके जिससे इसे बड़े वर्ग को समझने में आसानी हो हालांकि इस बात का ध्यान रखा गया है कि भाषा की, की सरलता के किरदार भी जो है वो हल्के ना लगे सीरीज का टाइटल ट्रैक जो था वो काल भैरो और दिव्या कुमार ने आवाज़ दी हुई है कार्ल बार ब्लग बात जो है वो बाहबुल टू दे चुके हैं यानी कि सरद कल की यहाँ पर बात हो रही है इसके अलावा इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर भी अपना जो सुंदर आवाज़ है वो दिया हुआ है इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपको कहीं बार भी बोर नहीं करेंगी आप इसे देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं डी प्लस अफ्तार पे क्योंकि दोस्तों अभी प्रीमियम अवेलेबल है और कोई भी पैसा देने की आपको जरूरत नहीं है सवाल यहाँ पर यह भी आता है कि हमें इसका जो अगला सीजन है वो कब देखने को मिलेगा हालांकि द दिल ऑफ हनुमान की तीसरे सीजन के बारे में अधिक जानकारी और इट की तारीख अभी तक साझा नहीं की गई थी पर सोशल मीडिया पर प्रशंसकों ने इस सीरीज़ के लिए प्यार जताया है और तीसरी सीजन के साथ लौटने पर उत्साह भी व्यक्त किया है ये सीरीज शरद देवराज जीवन जी कांग और चारवी पी सिदल द्वारा बनाई गई थी और ग्राफिक इंडिया द्वारा भी थे दरअसल इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और शरद देवराजन ने बताई थी जब ये सीरीज जब रिलीज हो रोड्यूज़ करता है कि बहुत ही अच्छी होगी आप इसे देखिए हालांकि सब प्रोड्यूसर ये सब मिलकर ऐसे प्रमोशन करते हैं पर मैंने इसे देखा था बहुत टाइम पहले काफ़ी अच्छी सीरीज़ बनाई गई है तो मैं आप सभी से ये गुजरे करूँगा कि आप इसे ज़रूर देखिए ये आपको कहीं पर भी ऐसा बोर फील नहीं कराने देंगे और ये एंड तक बांधे रखने में कामयाब रखती है इतना मैं आपको कह सकता हूँ अब यहाँ पर सवाल ये भी है कि इसका तीसरा सीज़न कब आएगा तो मैं आपको बता दूँ कि बारह जनवरी को रिलीज़ किया जा रहा है इसका तीसरा सीज़न और दूसरी मान की बात यह है कि बारह जनवरी को आपको शायद जो है सलार मूवी देखने को मिल सकती है नेटफ्लिक्स पे जी आपने बिल्कुल सही सुना बारह जनवरी को आपको एक बहुत ही बड़ी मूवी देखने को मिल सकती है वो है सलार और भी ऐसी बहुत सारी सीडेंट मूवी आ सकती है जैसे कि टाइगर थ्री है क्योंकि उस टाइम पर मौका है सबके पास क्योंकि नया साल है नया दिन है तो हर कोई जो है वो कोई नया कोई नया नया शोर लेके ज़रूर आएंगे तो इस कमाल की सीरीज को नहीं देखा आए तो एक बार ज़रूर देखिए मुझे पूरा है नहीं आपको ये सीरीज़ ज़रूर पसंद आएगी अगर आप इसे देख चुके हैं तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा ये आपको कैसे लगी थी और आप लोग इसकी तीसरी सीजन के लिए एक्साइटेड है या नहीं वो भी मुझे आप ज़रूर बताइएगा आपका हमारे वीडियो में स्वागत है और आज मैं आपको एक एनिमेटेड वेब सीरीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जो कि कमाल की है और इस सीरीज़ को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार आप ज़रूर देखिएगा ये आपको पसंद आ सकती है साथ में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये हिंदी में आपको देखने को मिलने वाली है और ये जो सीरीज़ है इसका वह तीसरा सीज़न भी रिलीज़ होने वाला है तो इसके बारे में भी बात हम करने वाले हैं तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की सीरीज़ के बारे में तो इसका नाम है द लेजेंड ऑफ़ हनुमान जो काफ़ी कमाल की और एक पारिवारिक एनिमेटेड सीरीज़ है इसके दो सीजन आ चुके हैं पहला सीजन इसका दो हज़ार इक्कीस में आया था दूसरा दूसरा दु, दो हज़ार बाईस में और तीसरा बार आने वाला है दो हज़ार चौबीस में वैसे काफ़ी तगड़ी ये सीरीज़ बनाई गई है ये आप लोग जो है वो पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं आप चाहे तो उसे बच्चों के साथ भी देख सकते हैं बहुत ही तगड़ी सीरीज़ बनाई गई है सच में ये आपको कहीं पर भी बोर नहीं कराएंगी तो जो आई एम डी बी है वहाँ पर दस में से नौ पॉइंट दो की रेटिंग मिली हुई है जो कि बहुत ही तगड़ी रेटिंग इस मूवी या फिर इस सीरीज को बनाती है अगर आप इसे देखना चाहते हिंदी में तो वो भी एकदम फ्री में तो मैं आपको बता दूँ जो डिजनी प्लस अफतार है वहाँ पर ही सीरीज़ आ चुकी है एकदम फ्री में टोटल इसके एपिसोड जो है वो लगभग आपको बीस के अंदर देखने को मिल जाते हैं सभी एकदम फ्री में उपलब्ध हो चुकी है डिजी न्यू प्लस अफतार पर आप वहाँ पर देख सकते हैं वो काफ़ी अच्छी बात है कि डिजनी प्लस पे आपको बहुत सारे ऐसे शो जो है वो फ्री में देखने को मिल रहे हैं तो ये सीरीज़ जो है वो आपको डिज प्लस ऑफ स्टार पर देखने को मिल जाएंगी तो अभी जो डिजी प्लस ऑफ स्टार पे वहाँ पर जाकर देखिए एक सीरीज़ के अंदर आपको लगभग तेरह दे एपिसोड देखने को मिलते हैं और दूसरे के अंदर भी आपको लगभग इतने एपिसोड देखने को मिल जाते हैं इस सीरीज इस पूरी सीजन के अंदर आपको एक्शन देखने को मिलता है वैसे जो कहानी है आपको दिखाई गई है वो पूरी कहानी शायद आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुनी भी होगी तो यहाँ पर लीड जो यहाँ पर संभाला है वरद खेलकर जो सवाल आया जो डबिंग की है वो सरद खेलकर रिज डिंग हमित डिडी माश अली विक्रम चतुर्वेदी रिचर्ड जोहेल पुष्कर विचे ये सारे डबिंग आर्टिस्ट है जो काफ़ी अच्छी डबिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं और इन्होंने काफ़ी अच्छी बहुत ही बेहतरीन डबिंग की वो है चलिए बात करते हैं हम लोग इसकी कहानी के बारे में कि आपको इस सीरीज़ के अंदर कहानी क्या देखने को मिलती है और क्या ये जो है वो एक ऐसा शो है जिसे हम लोग बिना न थक के देख सकते हैं तो जी हाँ दोस्तों एक ऐसा शो बनाया गया है जो आप बिना थक देख सकते हैं आप बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले हैं द लेजेंड ऑफ हनुमान एक प्रेरणादायक कहानी है जो बता है कि अपने समर्पण और साहस से एक साधारण वानर किस तरह महाबली और पूजलीय बन जाता है यह आमतौर पर यह आत्मबोध और अपनी शक्तियाँ पहचानने की कहानी भी है हनुमान के किरदार में कई बीडिया को प्रभावित किया है बच्चों से लेकर नौजवानों और बड़ों के बीच में यह चरित्र सम्मान रूप में लोकप्रिय है इस सीरीज में हनुमान को गड्डी के लिए सौ स्केचों का इस्तेमाल किया गया है जो उनके बचपन से लेकर एक योद्धा बनने तक का सफर जो है कवर करते हैं वैसा डिजनी जो है ऐसे कमाल की एडवर्टाजी लेत लेता आ रहा आता ही है और बहुत सारे हॉलीवुड की सीरीज भी वो दे चुका है इस सीरीज में विजुअल एक्सप्रियस बनाने के लिए एक थ्री डी तकनीक का उपयोग किया गया है इससे दृश्यों का जो है भव्यता और गहराई मिलती है हनुमान जी के जन्म स्थल किस्टिकंदा राक्षस नगर चंगल आदि को विशाल आकार दिया गया है द लेजेंड ऑफ हनुमान की भाषा सरल नाम और आम बोलचाल चाल रखी गई है ताकि हर कोई इसे समझ सके जिससे इसे बड़े वर्ग को समझने में आसानी हो हालांकि इस बात का ध्यान रखा गया है कि भाषा की, की सरलता के किरदार भी जो है वो हल्के ना लगे सीरीज का टाइटल ट्रैक जो था वो काल बैरो और दिव्या कुमार ने आवाज़ दी हुई है काल बैरो ब्लॉक बा फिल्म जो है वो बाबुल टू दे चुके हैं यानी कि सरत कलगर की यहाँ पर बात हो रही है इसके अलावा इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर भी अपना जो सुंदर आवाज़ है वो दिया हुआ है इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये आपको कहीं बार भी बोर नहीं करेंगी आप इसे देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं डीसी प्लस हॉटस्टार पे क्योंकि दोस्तों अभी फ्री में अवेलेबल है और कोई भी पैसा देने की आपको ज़रूरत नहीं है सवाल यहाँ पर यह भी आता है कि हमें इसका जो अगला सीज़न है वो कब देखने को मिलेगा हालांकि दिल नजीर ऑफ हनुमान के तीसरे सीजन के बारे में अधिक जानकारी और इट्स की तारीख अभी तक साझा नहीं की गई थी पर सोशल मीडिया पर प्रशंसकों ने इस सीरीज़ के लिए प्यार जताया है और तीसरी सीजन के साथ लौटने पर उत्साह भी व्यक्त किया है ये सीरीज़ शरद देवराज जीवन जय का और चार वी पी सिदल द्वारा बनाई गई थी और ग्राफिक इंडिया द्वारा निर्मित है दरअसल इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और शरद देवराज ने बताई थी जब ये सीरीज़ जब रिलीज कर कहा था कि बहुत ही अच्छी होगी आप इसे देखिए हालांकि सब प्रोड्यूसर ये सब मिलकर ऐसे प्रमोशन करते हैं पर मैंने इसे देखा था बहुत टाइम पहले काफ़ी अच्छी सीरीज़ बनाई गई है तो मैं आप सभी से ये गुजरे करूँगा कि आप इसे ज़रूर देखिए ये आपको कहीं पर भी ऐसा बोर फील नहीं कराने देंगे और एंड तक बांधे रखने में कामयाब रखती है इतना मैं आपको कह सकता हूँ अब यहाँ पर सवाल ये भी है कि इसका तीसरा सीजन कब आएगा तो मैं आपको बता दूँ कि बारह जनवरी को रिलीज़ किया जा रहा है इसका तीसरा सीजन और दूसरी कमान की बात ये है कि बारह जनवरी को आपको शायद जो है सलार मूवी देखने को मिल सकती है नेटफ्लिक्स पे जी आपने बिल्कुल सही सुना बारह जनवरी को आपको एक बहुत ही बड़ी मूवी देखने को मिल सकती है वो है सलार और भी ऐसी बहुत सारी मूवी आ सकती है जैसे कि टाइगर रख है क्योंकि उस टाइम पर मौका है सबके पास क्योंकि नया साल है नया दिन है तो हर कोई जो है वो कोई नया कोई नया नया शो लेके ज़रूर आएंगे तो इस कमाल की सीरीज को नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिए मुझे पूरा यकीन है आपको ये सीरीज़ ज़रूर पसंद आएगी अगर आप इसे देख चुके हैं तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा ये आपको कैसे लगी थी और आप लोग इसकी तीसरी सीरीज के लिए एक्साइटेड है या नहीं वो भी मुझे आप ज़रूर बताइएगा